चल ठीक है। वो बैंड केलंड इजी इजी। सुस्वागतम, स्वागत है एक नए नवेले पॉडकास्ट में कॉल्ड लंगूर्स। और यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा ऑफ व्हाट विल हैपन टू यू आफ्टर यू लिसन टू दिस पॉडकास्ट। व्हाट विल हैपन टू यू आफ्टर यू लिसन। हमने दिखा दिया तुमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइव एग्जांपल। We are spawning, भाई। Exactly. We are spawning devils today. हाँ। नहीं 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 चौंकी चौंकी ये नहीं चौंकी ये नहीं हाथ नहीं no हाथ हाथ like no hands. We can't do the hands because if we do the hands then it becomes a live podcast. Sorry like we have an audience यहाँ पे. We don't want the audience. ठीक है? तो हमको audience नहीं चाहिए but खैर सुस्वागतम सबका। स्वागत है एक नए नए वाले एपिसोड में ऑफ लंगूर्स। पहली बात तो क्षमा प्रार्थी हम दोनों कि हम कल मंडे को 3 PM एक पॉडकास्ट ड्रॉप नहीं कर पाए जो हम यूजुअली करते हैं। हम एक वी लिखा अपने वर्ड्स पे उतरते हैं शायद से, बट हम कल उतर नहीं पाए, उसका एक रीजन है और वो रीजन आई थिंक चौंकी एक्सप्लेन कर पाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हर दशमी पे यार दशमी क्या होता है, दशमी पे जब पूर्णिमा का चांद आता है तो कहा जाता है पिशाच प्रवृत्ति स्ट्रॉन्ग होती है। इंग्लिश में मतलब पिशाच क्या पिशाच प्रवृत्ति पिशाच इज पिशाच पिशाच हां टू ऑब्वियसली प्रवृत्ति लाइक मतलब लाइक विजिबल नेचर। अच्छा नेचर हां तो कल अगर हम अपलोड करते हैं और मतलब कल मंडे को अपलोड करते हैं बेसिकली 3 बजे और क्योंकि ये पॉडकास्ट में भी मतलब अब मैंने हैंड साइन से कर दिया गलती से और वो समनिंग और यू गेट द लाइक पूरी वाइब समझ रहे एनर्जी द एनर्जी वी आर एमिनेटिंग इनटू द यूनिवर्स ट्रू इट विल कम बैक टू अस। सो इट वाज रिस्की करना It was, and I think ये बहुत ही conscious decision थी हम दोनों के मिलके कि the numbers were not adding up. Like for example, जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं like anything, right? उस चीज़ के numbers होते हैं कि कल क्या date थी? कल 1 October था if I'm not wrong, है ना? 1 October? Second October, 3 PM, the numbers 5, it just not adds up. Something exactly. Just as, plus we do the hand signs, plus तुमको पता कि we हम कुछ ही बोल देते हैं लाइक वी डू एवरीथिंग। तो आई जस्ट डिडंट वांट टू रिस्क इट करेक्टली। आल्सो यस्टरडे गांधी जयंती थी बट वो अलग पॉइंट है। एक और चीज बिफोर वी मूव ऑन टू द पॉडकास्ट क्योंकि ये पॉडकास्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हाई डिमांड बेस्ड है, काफी लाइक पीपल पता है दिस वन थिंग मैंने नोटिस करी भाई, पीपल जेन्युइनली एंड इवन इंक्लूडिंग अस ऑब्वियसली वी जेन्युइनली वांट टू नो घोस्ट स्टोरीज। क्रेजी नहीं है Like, ऐसा क्यों like, इसके बीच का साइकिक क्या like, मतलब क्या इसके बीच का? मैं पता क्या समझता हूँ इसको कि इट्स लाइक हमें सबकॉन्शियसली पता है कि ये होता है, देयर इज सम ट्रुथ टू इट। इट्स द स्लो टीज वाला प्लेजर होता है ना, थोड़ा सा एजिंग आवरसेल्व्स। हम बिलीव करना नहीं चाहते बट वो थ्रिल में वी बाय इनटू इट और फिर वो डोपामिन हिट कर रहा है। That's why मेरे को लगता है हमें पसंद मतलब एक mysterious, it's some mysterious vibe. I think तूने काफी interesting बोला। दूसरा देख एक तो ये firstly तो ये kind के लोग हैं जो like mystery पे buy in करते हैं और maybe just fun for the sake of it कि fiction है और एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं जैसे हम who actually feel the powers, वो connection, वो जो लेयर्स का एक एक करके पील ऑफ होना तो वो भी एक आई थिंक तूने एक वर्ड यूज करा सबकॉन्शियसली मतलब सब कि फॉर एग्जांपल जब मैं पैदा हुआ ठीक है तो क्या ऐसा कि जब मैं पैदा होता हूं लाइक फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट घोस्ट्स वी टॉक अबाउट स्पिरिट्स जब भी उनकी बातें करते हैं राइट हम बोलते हैं कि भाई
इट्स वेरी इजी घोस्ट्स या फिर उन इविल स्पिरिट्स के लिए मैनिपुलेट करना बच्चों को, या फिर मैनिपुलेट करना ओल्ड पीपल को, या फिर लाइक समथिंग अलोंग दोज लाइंस, जिनका थोड़ा ऑरा अभी फॉर्मड नहीं होता, जिनकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच होती है, समथिंग लाइक दैट, एनर्जी मैच जो भी, ठीक है, दे कैन गेट इन देयर ऑरा टाइप, क्योंकि बच्चे काफी वो होते हैं लाइक वेरी दे हैव नो बिल्ट ऑरा व्हेन देयर किड्स, ऑब्वियसली दे हैव नॉट बिल्ट सम रिफॉर्म्स उनके खुद की मेंटालिटी की, दे कांट परसीव थिंग, दे आर वेरी ओपन टू एनीथिंग, समझ रहे, दे कैन, बच्चे कैन परसीव एनी एनर्जी, समझ रहे, दे आर ओपन टू, दे जस्ट एंटर द वर्ल्ड, राइट, तो आई बिलीव कि आई विल स्टार्ट एक पहली स्टोरी, ये मेरी स्टोरी मैं पहले बता भी चुका हूँ, पहले आई थिंक मैंने पता नहीं यूट्यूब पे बताया नहीं बताई, बट आई थिंक मैं बता चुका हूँ दोस्तों को, दिस इज द रियल स्टोरी, अब पता रियल क्या, रियलिटी पता क्या, रियलिटी क्या, अब तुमको पता हमें यहाँ पे एक्टिंग नहीं है, वी नॉट हियर टू एक्ट इट अप, पहली बात तो कि हम यहाँ पे एक एक्ट पुट कर रहे हैं कि मैंने जो बत्ती बुझा रखी है, बट तुमको पता हम वो है, बट इट्स जस्ट कि हम जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, दैट्स द रियलिटी, लाइक क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, विना की कुछ होंगे, प्लस थोड़ी फिक्शंस जो लाइक नॉट फिक्शंस, हमारे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस, तेरे पीछे कोई है तो नहीं ना बहन के लंड भाई, भाई भाई एकदम से थोड़ी हो जाते कोई नहीं, क्योंकि मेरे पीछे भी कुछ नहीं है ना, मां के चूत पीछे पीछे देखने में डर लगता है, डर तेरे मेरे पीछे देख, पूरा देख, पूरा देख, बहन की चूत यार, इट्स लुक, भाई हाँ, पर क्या कहते हैं, द पॉइंट इज की ठीक है, ये बात है और ये रियल बात है, ऑब्वियसली ये बात है, 20 मेरे बस 12वीं थी, 2019-18 ऐसे 2019 की बात है, ठीक है, 2019 ठीक है, लाइक प्री लॉकडाउन, लॉकडाउन कुछ आने था, नथिंग लाइक दैट एग्जिस्टेड, ऑब्वियसली हम गए एक वेडिंग में, ऑब्वियसली एक वेडिंग, एक नॉर्मल वेडिंग मेरे घर, मेरे कजन की थी, मुझे पता नहीं, मैं याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, कजन की वेडिंग थी, ठीक है, कजन की वेडिंग दिल्ली में एक बैंकेट हॉल में, तुमको पता है बहुत बच्चे आते हैं, चाचा का लड़का, चाची का लड़का, वो सब भक्तों को पता है, पूरी फैमिली मिलती है, बैंकेट हॉल बुक कर रखा है, फर्स्ट फ्लोर जहां पे सब कुछ हो रहा है, जहां पे सब कुछ, सब लाइवली चीजें हो रही हैं, सब लाइवली, एवरीथिंग इज देयर, खाना नाच सब कुछ, सबको पता है, हैप्पी, हर बैंकेट हॉल में अगर तुम बच्चे हो तो लाइक, एंड या फिर तुम सराउंडेड विद बच्चे, इफ यू आर सराउंडेड विद बच्चे, दे वांट टू टॉय विद थिंग्स, सो दे वांट, दे डोंट वांट टू बी स्टिल, दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, ऑब्वियसली, तो मेरा एक चाची का लड़का था, मैं उससे काफी बकचोदी करता, तुमको पता ऑब्वियसली, तो उसको लिफ्ट में काफी इंटरेस्ट है, लिफ्ट, उस बैंकेट हॉल में एक लिफ्ट थी, उसे काफी इंटरेस्ट है कि लिफ्ट में जाना, लिफ्ट में जाना है, ठीक है, और जो चाची थी ना वो, क्योंकि लड़का बहुत शोर मचा रहा था, तो शी वाज लाइक कि इसको तू ले जा, इसको ले जा, थोड़ी बहुत परेशान कर, इसको ले जा, ठीक है, ठीक है, फिर तो आई वेंट उसको लेके, ऑब्वियसली, और वो और मैं अकेले थे, ठीक है, हम दोनों अकेले थे, इट वॉज ओनली अस, हम गए लिफ्ट में पूरा, क्योंकि इट्स, यू कैन से इट्स अबाउट 1 AM, ठीक है, इट्स अबाउट 1 AM, एंड अभी भी बहुत माहौल लाइवली है उस फ्लोर में जहां पे सब कुछ हो रहा है, बट आई गो टू द लिफ्ट उसके साथ, मैं ऊपर जाता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं, क्योंकि उस बैंकेट हॉल के 4-5 फ्लोर्स हैं, मे बी एक सीलिंग है, आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे क्या पता, समझ रहे, आई डोंट नो, तो वी रैंडमली प्रेस बटन्स, रैंडमली लिफ्ट ओपन्स इन एवरी फ्लोर, एंड देन वी गो डाउन, देन वी गो अप, तो लाइक मतलब उसको कुछ कहीं जाना नहीं था, ही जस्ट वांट टू एक्सप्लोर लिफ्ट, क्या लाइक द बेस, वो सब ठीक है, कि उससे खेलना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ, ठीक है, वी वर इन फर्स्ट फ्लोर अगेन, तो वेंट टू द ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट, द सेफेस्ट बिट, द सेफेस्ट बिट वाज टू प्ले एंड टू गो ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, वहां पे गाड़ियां खड़ी है, सब लोग हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर गए, ठीक है, गेट खुला, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ओके, व्हाई नॉट, कम ऑन, व्हाई नॉट, चलते हैं, थर्ड फ्लोर, टोटल 4 फ्लोर्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक ग्राउंड था ऐसे कुछ ओवर, लाइक जो भी कहते हैं उसे, सीलिंग टाइप, सीलिंग क्या कहते हैं उसे, बेंचोद, क्या होता है वो, छत, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं उसे, सीलिंग बटन होगा, मुझे पता है, हाँ सॉरी, हाँ जो भी, थर्ड फ्लोर, वेंट देयर, गेट ओपनड, लाइक एलिवेटर ओपनड, तो वो बाहर चला गया, बैंक करंट खुली एलिवेटर, वो बाहर चला गया, लाइक जहां पे खुली, और ऐसा कुछ था नहीं कि कहां जा रहा, नहीं लाइक मैं भी चला गया, ठीक है, रैंडम है ना, ऐसा क्या ही है, देयर इज नो स्पूकी वाइब टू इट, इट्स बहुत नॉर्मल है, रैंडम है, हाँ थोड़ी लाइटनिंग डिम है वहां पे, ऑब्वियसली पूरा खाली है, ऑब्वियसली सेम बैंकेट हॉल बट खाली है, एंड लाइटनिंग डिम है, ऐसा नहीं कि ब्लैक है बट लाइटनिंग डिम है, तो इवेंट इन साइड, गेट खुला हुआ था, अंदर गए, नॉर्मल प्लेटें वेटे पड़ी है, नॉर्मल सब सामान पड़ा है, चेयर, टेबल चेयर, वो सब भक्तों को पता है, मैं रैंडमली खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, मैं रैंडमली देख रहा हूँ क्या है, बहुत बड़ा है, सोफे लगे पड़े हैं, काफी बड़ा है, घूम रहा है ऐसे, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, वो बकचोदी कर रहा है, ठीक है,
मैं मोबाइल चला रहा हूँ, बैठा हूँ, ठीक है, कुछ देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, आई डोंट नो, एंड देन आई हियर वो बात कर रहा है. एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, उसकी एज उस टाइम पे 6-7, 6-7, ठीक है, लड़का है, ठीक है, उसकी एज 6-7. ही इज टॉकिंग, ही इज यैपिंग, ही इज यैपिंग. यहाँ पे भाई क्या बकचोद है, ठीक है, मैं उसका नाम लूंगा नहीं, वैसे लेट से उसका नाम शुभम है, लेट से. तो मैं मोबाइल पे, दिस इज मी, ठीक है, दिस इज मी, मोबाइल से आ रहा हूँ, आवाज आ रही थोड़ी, और मैं पूरा बहुत बड़ा है तो थोड़ी आवाज गूंजती है, देखो पता है, ठीक है. तो शुभम मोबाइल पे देखते, देख शुभम क्या कर रहा है, ऐसे ही वापस मोबाइल पे लग गया, ऑब्वियसली नॉट सीरियस अबाउट इट, क्या ही कर रहा होगा, क्योंकि बच्चे, मुझे क्या पता कैसा, यू डोंट पे मच अटेंशन, कि बच्चे कुछ भी बकचोदी, अपने से बातें करो, हमें क्या पता, जो भी. आफ्टर 10 seconds ऑफ माई स्क्रोलिंग, भैया भैया प्रॉपर एक वो एक नॉट एक स्क्रीम फॉर हेल्प बट एक कॉल, एग्जैक्ट एक लाउड कॉल. मैं मोबाइल बिल्कुल रैंडम, दिस नथिंग बिग अबाउट इट, मोबाइल रखा, हाँ क्या हुआ, मैं गया उसके पास. ट्रू स्टोरी, ट्रू स्टोरी, ही पॉइंटेड टू एक कर्टन वाली जगह, वहां पे ही पॉइंटेड वहां पे, एंड की आपको बात करनी है. मैंने उसकी गांड को पकड़ा, लिफ्ट में डाल, नीचे चला गया वापस. उसको उठाया मैंने, उसको उठाया मैंने, खींच के मोबाइल जेब में डाला, भागा, लिफ्ट बंद करी, जैसे मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी गांड पड़ गई थी, क्योंकि मैंने ये स्टोरी पहले सुनते को पता, मैंने पहले स्टोरी सुन रखी थी, ये सब ये बकचोदियां होती कि भाई आई लाइक यू ना, आई डोंट वांट दिस शिट. मैं गया नीचे वापस उस पे, किसी को कुछ बताया नहीं, मां की चूत, नोबडी नोस नथिंग, वापस फंक्शन में, दैट्स इट, वेंट होम, बाय. तो उसके बाद काफी मैंने घर वालों को बताया बाद में कि ऐसी कुछ बकचोदी थी, पता नहीं क्या जो भी है. फिर लड़का तो बिल्कुल नॉर्मल है, द पॉइंट इज कि नथिंग डीप हैपेंड ऑब्वियसली, बट क्योंकि वो एक बच्चा था, समझ रहा है, एंड ही वाज वेरी रिसेप्टिव टू ये सब एनर्जीज, इट वाज वेरी विजिबल, क्योंकि वो कम से कम एक मिनट से बातें कर रहा था, मैं सुन रहा था, पर मैं अटेंशन पे नहीं कर रहा था, ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं, पता भी नहीं बात क्या कर रहा था, मुझे लगा क्या ही बकचोदी कर रहा है. पर जब उसने बुलाया कि बात करनी है, देन आई फेल्ट लाइक कि भाई ना ना आई डोंट ना 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 फक ऑफ. हाँ, तो मतलब एक पता इंटरेस्टिंग चीज क्या, लाइक आई बिलीव कि देख घोस्ट तो एक बहुत वो वर्ड हो गया, लाइक इट्स अ वेरी डिग्निफाइड वर्ड, कि भाई एक वर्ड है. हाँ ब्रो, एग्जैक्टली, इट्स अबाउट कि भाई ठीक है, देयर आर स्पिरिट्स एंड एनर्जीज दैट एग्जिस्ट इस वर्ल्ड में, एनर्जी, समझ रहे, देयर आर गुड एनर्जीज, देयर आर बैड एनर्जीज. फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त है, उसने बोला कि हम भी ऐसे बात करते घोस्ट स्टोरी कभी, उसने बोला कि हमारा एक और दोस्त है, वो ना पूरे दिन सोता रहता है, ही स्लीप्स अ लॉट, 10-12 घंटे मोस्टली, काम नहीं करता ज्यादा, मोस्टली नल्ला है. तो लाइक ब्रॉडर वर्ड बोलेगा कि भाई लाइक जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव पर, हाँ नल्ला लगा है, बेरोजगार, कुछ करता नहीं, मैं चूतिया, ठीक है, दिस इज एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव. बट जो मेरा दोस्त है उसने बताया फिनोमिनन कि भाई अगर किसी पे भूत चढ़ता ना, लाइक बहुत ही चूतिया बात है, अगर किसी पे भूत चढ़ता ना, या फिर तो इट्स बेसिकली नेगेटिव एनर्जी, सर इवल स्पिरिट इज नेगेटिव एनर्जी मोस्टली. तो वो नेगेटिव एनर्जी ना, इट मेक्स यू इनएक्टिव, इट मेक्स यू स्लीप अलॉट, इट मेक्स यू गो इन योर डाउनफॉल टाइप, लाइक तुम लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे जनरली, ऐसा कुछ. एंड दैट्स हाउ, लाइक उसने बहुत ही बेसिक चीज को, जिसको हम अपनी क्या क्या बोलते हैं कि भाई क्या ही, समझ रहे, बेरोजगार नल्ला, जो भी समझ रहे, एनीथिंग, काम नहीं कर रहा, मेहनती नहीं है, फिर जो भी है, ही गेव इट एक रीजन कि ही मे हैव एनकाउंटर्ड अ बैड एनर्जी. अब तो उसको घोस्ट बोल लिया, फिर जो भी बोल, आई डोंट नो, बट समथिंग लाइक दैट. तो मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वट एवर हैपेंस इन आवर लाइफ इज स्टिम्युलेटेड बाय एनर्जीज, एनीथिंग, द मोस्ट मिनिस्कल थिंग्स, जो बिल्कुल लोग इवन पीपल वोंट इवन क्लासिफाई इट एज की कोई घोस्टली चीज है, कुछ है नहीं, बट तेरे जनरल बिहेवियर्स, ऐसा कुछ. मैं थोड़ा सोचना ट्राई कर रहा है इस पर्सपेक्टिव से, तो मतलब आई एम नॉट मतलब like it's one way to understand it, right? Energies, like this is how we understand कि energy, क्योंकि it can neither be created nor be destroyed. तो मतलब एक ऐसी existence है जिस पे हमारा बहुत कम control है, in a way, like mortal plane से separate exist कर रही है. अगर तू like true metaphysical way में भी समझने की कोशिश करे, पर मतलब ये फिर भी मेरे को थोड़ी vague लगती है in a way, क्योंकि मेरे को ना एक बहुत interesting चीज याद आती है इससे, जो मेरा एक दोस्त बताता है, और उसका बैकग्राउंड बताऊंगा तुझे स्पेसिफिकली, बट जो बाद में कह रहा था वो ये थे का, क्या एनर्जी के पास
पर्सनालिटी होती है, क्या एनर्जी के पास विल होती है, डू दे हैव अ पर्पस, अ गोल, अ विल, ये इंटरेस्टिंग है। तो जो दोस्त है ना मेरा, ही कम्स फ्रॉम अ पहाड़ी बैकग्राउंड, और ऑफ कोर्स सब सब लोग पहाड़ी बोल पहाड़ी बोल, ठीक है, दैट गाय इज वाइल्ड, बट ठीक है, मतलब वो पहाड़ी पहाड़ी बैकग्राउंड से, और काफी लाइक उसके पेरेंट्स का गांव वगैरह भी आया, और वो फ्रीक्वेंटली जाता आता रहता है। उसने मेरे को एक बात बताई, क्योंकि वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जो वो आसानी से शेयर नहीं करता क्योंकि फैमिली रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है कि उसका, उसने ना मेरे को, मैं चल उसी की तरह जैसे उसने मेरे को नरेट करी, व्हाट हैपेंस इज कि एक दिन उसके कजन ताऊजी, दूर के ताऊजी मतलब थोड़े, ठीक है, वो कहीं से आ रहे थे सामान लेके, और उनके ग्रोसरी बैग में आई थिंक अंडे थे और थोड़ी बहुत ग्रोसरीज वगैरह, समथिंग लाइक दैट वो थे, और नॉर्मल पहाड़ी रास्ता था, ऐसे बहुत गांव वाला रास्ता नहीं, थोड़ा डिसेंट, मैं भूल गया एग्जैक्टली जगह कहते हैं उत्तराखंड में, बट ऐसे बहुत देहाती नहीं सर, मतलब ठीक है रोड थी, डिसेंट एरिया था। वो आ रहे थे वापस घर आ रहे थे, एंड इट वॉज अ वेरी नॉर्मल, दिन का समय था, कोई अंधेरा नहीं था, शाम से हो रही थी पर मतलब अंधेरा नहीं था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं। He fell. गिर गए. And he died. उसके ताऊजी, उस फॉल की वजह से उनके सर्वर पे लगी, and it was enough to kill him. On the spot. पर वो बोलता था on the spot. पर वो बोलता है कि लाइक कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बताता है मेरे को कि जो ग्रोसरी बैग्स में अंडे ला रहे थे ना, वो नहीं फूटे, तो ही फेल विद इनफ फोर्स टू किल, मतलब टू डाई, ओके, दैट्स द रीजन, एग्स को कुछ नहीं हुआ। वो फिर मेरे को एक बड़े से लंबी कहानी में ले जाता है, और वो बताते उसके कोई बहुत उसी, वो जो फैमिली लीनेज आ रही होगी ना उसके कजन ताऊजी वाली साइड से, वो बताते कोई उनके दादा वगैरह हुए थे उन बहुत पहले, एंसेस्ट्रल कोई, और उन्होंने बोल उनकी एक वाइफ थी, नॉर्मल फैमिली थी, और वो बताते कि एक दिन रात को उनके घर पे एक औरत आती है एक बच्चा लेके, और चीखने चिल्लाने लगती है, और लाइक बेसिकली परेशान करने लगती है इनकी फैमिली को, क्लेमिंग दैट शी, दिस बॉय वाज हिज चाइल्ड, लाइक ओ नाजायज औलाद वाला जैसा सीन होता है ना, वो बेसिकली नाजायज है जो भी कहते हैं, कि बेसिकली एक और पूरी लड़ाई झगड़ा होता है, और वो उसको शन करते हैं पूरी फैमिली मिलके, आई डोंट नो क्या बिलीव, मेरे को ये नहीं पता एग्जैक्टली, बट बेसिकली पूरी फैमिली मिलके शन करती है उस पर, पूरे उसको बेसिकली पीटते भी हैं शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसको मार पीट के भगा देते हैं बच्चे के साथ, और वो बताते हैं कि मेरी फैमिली में एक आ जाते हैं कि वो जब जा रही थी, शी कर्स्ड हिम, कि तेरी लीनियज में कोई भी लड़का, तुम आदमी ऐसे हो कि तेरे लीनियज का कोई भी लड़का 30 साल या पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट उसने क्या चीज बताई थी, इससे ज्यादा नहीं जिएगा। और वो बताते कि इससे पहले के भी जो थे इसके ताऊजी वाली साइड के, दे ऑल्सो डाइड ऐसे वियर्ड बिफोर दैट एज, और ऐसे वियर्ड चीजों में। फिर वो बताते दे हैड दिस सेरेमोनी, कुछ यज्ञ या समथिंग लाइक दैट टू डिस्पेल दिस कर्स, क्योंकि उनका बच्चा भी था, वो ताऊ जो जो भी जिनकी भी डेथ हुई थी, ताऊ जी थे या जो भी थे, वो उनका भी बेटा था, तो उसके लिए उन्होंने पूरी सेरेमनी करी ताकि वो बेसिकली कर्स जो है उस औरत का वो डिस्पेल हो जाए। और मैंने उस आज तक इसका वो नहीं मांगा अपडेट, डिड एनीबॉडी एल्स, बट मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे एक 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 वेंजफुल, एक एक हेट्रेड वाली विल, थोड़ा समझ लो, लाइक शी मस्ट हैव फेल्ट समवे, शी मस्ट हैव फेल्ट बिट्रेड, बट डू यू थिंक कोई नहीं था, मे बी वो प्योर फीलिंग्स थी, या फिर देयर वाज सम, देखिए कि तो उसे वेज शी डिड दैट कर्स, लाइक कुड बी ब्लैक मैजिक या फिर ऐसे कुछ, या फिर एक प्योर फीलिंग्स थी, पता क्या है, लाइक ऐसा कहा जाता है कि लाइक अगर तू
थियोलॉजी पढ़ेगा हिंदू थियोलॉजी, तो लाइक श्राप वगैरह देते थे ना, तो श्राप फुलफिल हो जाते थे। हाँ, 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 पर वो कहते कि कलयुग में, क्योंकि हम लोगों में हमारे जो ऐसा तो धर्म के स्तंभ होते हैं, क्योंकि हम वी डोंट ओब्लाइज टू द धर्म, हाँ तो हमसे वी वर स्ट्रिप्ड ऑफ दिस चीज कि हमारे वर्ड्स ऐसे फुलफिल हो सकते हैं इफ पुट इनफ एनर्जी इन। ट्रू 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 तो ट्रेड ऑफ ये होता था कि जब कोई श्राप या कोई पुण्य वो देता था, क्या कहते थे, बून देता था, जो भी होता, हाँ वो ये होता था कि भाई तुम अपने पुण्य ट्रेड ऑफ कर रहे थे फॉर दैट ब्लेसिंग या फिर कर्स। हाँ पर अब वो आई डोंट नो कलयुग में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं। तभी तेरे मम्मी पापा भी कहते होंगे कि जब हम कभी कभार बात नहीं करते यार ऐसे गंदा, लाइक कि डेथ की बात, हम तो कैजुअली बोल देते अब मर जाऊंगा यार अगर ऐसी हरकत करी तो। बट तूने देखा होगा तेरी मम्मी पापा कहते पागल ऐसा नहीं बोलते, पागल शन कर देते। इट्स बिकॉज समटाइम्स आई थिंक इफ पुट इन विद इनफ फीलिंग्स और वो मे बी वर्ड्स ऑल्सो हैव सम नहीं, पावर। आई बाय दैट। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आई थिंक अगर लाइक आई डोंट नो, आई थिंक जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि अगर इफ यू एक्सपीरियंस सम अनगॉडली थिंग्स, सम घोस्टली थिंग्स, कुछ भी इविल स्प्रिट जो भी है, सबसे इजीएस्ट या फिर जो हमको बहुत ही कॉमन सबकॉन्शियस वे ऑफ डीलिंग इट विद इट, कुछ रिलीजियस चैंट्स करो, रीड हनुमान चालीसा, वो सब चीज, राइट? भगवान तुम का ये नाम मोस्टली ले करते हो, लिया। एग्जैक्टली, जो लोग उसको एक्सॉर्सिज्म बोलते होंगे, फिर लाइक व्हाटएवर यू कैन से, बट द पॉइंट इज कि अगर उस चीज का लाइक बोलते कि अगर तुम दिल से हनुमान जी ऐसे बोलो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड पर्सपेक्टिव, समझ लो, एक इविल पर्सपेक्टिव हो गया, एक गुड पर्सपेक्टिव, कि इफ यू रीड हनुमान जी, फिर कोई भी भगवान को माने, तो कुछ भी बिल्कुल सच्चे दिल से, तो मनोकामनाएं पूरी होती है, देखो पता है। पूरी हो जाती तो है। अगेन, एग्जैक्टली इफ आई बाय इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, कि अगर तुम सच्चे दिल से हनुमान चालीसा पढ़ो, सच किसी को भी मानो, अगर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो फ्रॉम एक इविल पर्सपेक्टिव, अगर मैं सच्चे दिल से किसी का एग्जैक्टली बुरा चाहूं, समझ रहे, किसी को कर्स वो भी करूं, हो गए ट्रू। तो मे बी दैट हैपेंस, आई डोंट नो भाई। आई थिंक अब पता है लोगों का ये कि भाई दे माइट यूज, कि भाई नहीं कुछ ब्लैक मैजिक यूज करते हो, तुमने कभी यूज कभी देखा तुमने किसी को ब्लैक मैजिक यूज करते हो लाइव? हैव यू सीन? आई हैव सीन। भाई देख वियर्ड थिंग पता नहीं ब्लैक मैजिक, अब आजकल वो लाल किताब भी होता है आजकल, लाइक काफी टोटके और काफी नॉट ब्लैक मैजिक बट लोग अलग अलग टोटके करते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। लाइक मैंने आई हाँ, ट्रू ट्रू। हैव सीन वियर्डली इनफ दैट्स अ शिटी, मैं आई हैव सीन समबडी आई नो, एक फैमिली आई नो इन माय नेबरहुड, हाँ, सुबह सेम। 4 बजे 5 बजे समथिंग लाइक दैट, यूजली लोग ज्यादा जगे नहीं होते, 4 बजे आई थिंक, हाँ 3:30 4 बजे आई थिंक, हम वृंदावन जा रहे थे या कहीं ऐसे जा रहे थे सुबह जाते ही, और वो ठीक साढ़े है। उसी टाइम जब हम जा रहे थे द फैमिली बैठी गाड़ी में, वेंट ऑन अ ड्राइव, हमारे सामने मतलब हम थोड़ी दूर थे गाड़ी से, हम निकली थे, हम बाहर रुके हुए थे किसी घर के सामने, गाड़ी खोली निकले, एक झाड़ू उस घर के सामने रखी, हमारी लाइक लोकैलिटी में एक घर के, समझ गया, मैं और समझ गया चले गए, समझ गया। ओ और एंड वी फाउंड वन डे झाड़ू हमारे घर के सामने भी, एक बार झाड़ू मिली, बहन की चूत, पर सही देख में अगेन वी फाउंड इट बट ऐसे कुछ वी डिडन लाइक फॉर अस नथिंग, लाइक कुछ नथिंग चेंज, लाइक ठीक है। कुछ भी मैलिस कुछ ऐसा लगा कुछ हुआ हो, मे बी पता समथिंग है, गुड काफी हैपन टू इंटरेस्टिंग, देम, आई ट्रू डोंट नो। ट्रू। पता है, द रीजन व्हाई इट मे नॉट हैपन तुम्हारे घर में, फिर किसी के भी, लाइक फॉर एग्जांपल, देख, आई बिलीव कि आई बिलीव जेन्युइनली बिलीव बिफोर हम लाइक, क्योंकि मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूं, आई बिलीव कि गुड स्पिरिट्स आर ऑलवेज बेटर, सो लाइक गुड स्पिरिट्स ऑलवेज आर बेटर, दे आर मोर पावरफुल, दे आर मोर प्रेजेंट, अच्छा दे आर मोर देयर। आई थिंक दिस वर्ल्ड हैज मोर गुड टू इट देन इविल, ये तो पक्का ट्रू। लाइक हम यहां पे वी आर नॉट हियर टू प्रोपेगेट कि कुछ गंदा हो रहा है, लाइक हो रहा होगा, बट आई बिलीव कि गुड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन, राइट? मैं तो ये बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मे बी यू, इफ तेरा घर काफी रिलीजियस होगा, एंड मे बी इट डजंट अफेक्ट यू और हार्म है यू, बहुत इट कुड बी, राइट? मे एग्जैक्टली बी कुड बी कुड बी एग्जैक्टली। अब एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, लाइक इट्स वेरी फनी कि सेम है, विच मीन्स कि कितना कॉमन हो गया, और हम शहरों की बात कर रहे कॉमन हैं, है बहुत वी आर नॉट इवन टॉकिंग वही अबाउट गांव गांव, समझ रहे? मेरे मैं भी तो एक जगह अलग जगह रहता हूँ ऑब्वियसली, एक साल पहले शिफ्ट हुआ, मैं यहाँ पे रहता हूँ अभी, इससे पहले मैं रहता था एक जगह, ऑब्वियसली कांट नेम इट, दिल्ली में ही। तो वहां पे वी हैड ए प्रॉपर कॉलोनी, तो हमारी कॉलोनी थी, ठीक है? तो वहां पे तुम, अगर तुम एक रहते हो ना कॉलोनी में, तो यू नो अलॉट ऑफ पीपल, इतना समझ रहे, यू प्लस तुम अगर अपना बचपन बता रहे हो, यू नो अलॉट ऑफ पीपल, राइट? तो वहां पर ना एक अंकल थे,
मेरी कॉलोनी पे, लाइक मैं तो जानता नहीं था, इतनी बात नहीं होती, बट हमारा बिजनेस था, लाइक हमारा बिजनेस है चश्मों का, लाइक ऑप्टिकल्स का हो सकता, तो वो वहाँ पे कस्टमर थे ये सब, तो लाइक दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि हाँ लाइक ये भी आते हैं, लाइक होंगे कोई, ठीक है, अपनी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो एक वो अंकल और एक और अंकल थे हु वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत ही लाइक ही वॉज 56 बट इंजीनियर, लाइक बहुत स्मार्ट, लाइक ही लाइक मैं उनसे अभी भी बात, लाइक ही इज अभी भी देयर ऑब्वियसली, बट मैं उनसे अभी बात नहीं करता, बट पहले आई यूज्ड टू टॉक टू हिम अ लॉट, लाइक उन्होंने मुझे काफी एडवाइस भी दिया कि भाई कि मैं फुटबॉल का कुछ कर रहा हूँ, ही वाज लाइक वेरी एडवाइसिंग, कि दिल से प्रॉपर पॉजिटिव गाय, लाइक अच्छा प्रैक्टिकल, बिल्कुल स्मार्ट, लाइक फैमिली बहुत सक्सेसफुल, बच्चे बहुत सक्सेसफुल, लाइक बिल्कुल अच्छी फैमिली, रिच, ऑल दैट, ठीक है। बट उनकी ना एक प्रॉब्लम थी उन अंकल की, जो स्मार्ट थे, ही डिड, ही वाज नॉट रिलीजियस, he was not very overly religious, he was very practical, itna he didn't care much about wo sab cheeze, he was like yahan karm karo wo sab, theek hai, jo bhi, theek hai, to ye smart bande uncle. ab jo dusre uncle hai, theek hai, jo customer the hamari dukan pe, jo bhi, to he rumor or like not rumor but definitely true, unhone jo smart uncle the, koi envious, koi jealousy, mujhe pata nahi kya hua, I don't know kya reason hai, unke ghar ke baad bahar urad ki dal phenk di, I know, ठीक है, फैमिली में सुना है, हुआ क्या, क्योंकि वो लगातार 3-4 दिन फेंक रहे थे, कोने कोने में चुपके स्नीकली फेंक रहे, उन्होंने एक बार प्रॉपर करा भी, वो खिड़की की बार देख रहे थे उनको, ये कब आता है, किस टाइम पे आता है, क्योंकि उनके उनके घर के पार ना, क्योंकि वो स्मार्ट, उनके घर के पार उनके एक दो लेबर होंगे जो भी, ठीक है, लेके कहते हैं उसे काम वाली जो भी, तो सुबह सुबह आएगी, वो बोल रहे थे कि क्या तुम्हारे घर के सामने थे ये अंकल, मैं उनको नाम लूंगा नहीं, जो अंकल ये कुछ मैंने कुछ कर रहे थे, फेंक रहे थे, क्या कर रहे थे, तो ही गॉट टू नो थ्रू द काम वाली की सुबह सुबह, ठीक है, मेड से, हाँ मेड से, तुम तो काम वाली बेसिकली वहां से गुजर रही होगी, उसने देख लिया होगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो उन्हें पता लग गया, उन्होंने कुछ करा नहीं, उन्होंने वेट करा उसी टाइम के लिए, एक और टाइम, एक और दिन, सेम चीज, वो खिड़की पे खड़े रहे स्मार्ट अंकल, दूसरे अंकल फिर से आए, लगे पड़े कोने में, स्लीकी लोग किनारे से फेंक रहे हैं वो सब, ठीक है, नॉर्मल, ही इज डूइंग दिस थिंग, कुछ चीजें लिप कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे होंगे, जो भी, ठीक है, सब चीजें करी, ही टुक नो एक्शन, प्रैक्टिकल वाले बंदे, ही डिड लाइक जो प्रैक्टिकल, जो चल जो स्मार्ट है, मैं उनको बोलता हूँ, लेट से उनका नाम दीपक है, ठीक है, लेट से जो स्मार्ट है उनका नाम दीपक है, जो जिसने फेंका है उसका नाम नवीन है, आई डोंट नो, रैंडमली कुछ, ठीक है, डमरू, ठीक है, नवीन, ठीक है, तो दीपक डिड नथिंग अबाउट इट, ही ऑब्जर्व्ड इट, ऑब्जर्व करा दो, डिड नथिंग अबाउट इट, उसके बाद ही टोल्ड एवरीवन इन द लोकैलिटी कि इसने ये करा है, तो उसके टाइम दैट एट दैट टाइम वी ऑल गॉट टू नो कि ठीक है ये हो रहा है, अच्छा ये करा क्या, दैट टाइम वी ऑल गॉट टू नो कि ये हो रखा है, ही टुक नो एक्शन, डिडंट टॉक टू द नवीन गाय, बट टोल्ड द होल लोकैलिटी लाइक बाय द वर्ड वर्ड ऑफ माउथ कि ये सब हो रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब बेसिकली लाइक इसका मतलब क्या है, ये क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो अगेन एक नॉर्मल चीज की कुछ काला जादू, कुछ मे बी एनवीएस, कुछ जेलसी, आई डोंट नो, एंड देयर वाज नो हिस्ट्री बिटवीन देम दोनों की, कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, लाइक दीपक का हैड नो कॉन्वर्स, कुछ बात नहीं थी उसकी नवीन से, तो कुछ सब कुछ क्लियर नहीं उनके पर्सपेक्टिव से, दीपक के पर्सपेक्टिव से, आफ्टर वीक नवीन डाइड, and not a very कुछ calamitic death, बहुत ही normal death, I don't know, कुछ cardiac arrest, I think it was normal, कुछ I don't know, and he died, ठीक है, and तब से उस पूरे हमारी locality में उस उन अंकल का नाम famous हो गया था, उड़द की दाल वाले अंकल, लेकिन सब तो वैसे famous हो गया था बहुत ज़्यादा, कि ये क्योंकि like everybody observed of him in a very bad way, कि ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, but अब interesting क्या कि जो नवीन थे ना नवीन, उनकी जो wife है वो school teacher है, ठीक है, एंड उनकी वाइफ पीछे मत देख तू, ठीक है, ठीक है, अबे आवाज आ रही है, हाँ ठीक है, उनकी वाइफ, अरे काफी इंटरेस्टिंग है, उनकी वाइफ क्लेम्ड कि नवीन रात रात भर सोते नहीं थे, सुबह सुबह निकल जाते पता नहीं कहां पे, शाम को आते थे, अपने आप को कमरे में लॉक करते थे, एंड रात को घर दरवाजे में धमधम की आवाज आती थी बार बार, धम की, लाइक सटल डम डम सटल गेट बैंकिंग, आई डोंट नो कुछ भी, छोटी की जो भी है, एंड वो कहते कि इट हैपेंड फॉर अ वीक बिफोर उनकी डेथ, इट हैपेंड फॉर अ वीक,
कह रही मैं तो सुबह स्कूल के निकल जाती थी, मुझे पता नहीं, तो इनके थोड़े बिहेवियर पहले से थोड़े डॉजी लाइक हो रहे थे, स्पूकी हो रहे थे. एंड मतलब उसने बेसिकली शी डिडंट डिफेंड हिम कि इन्होंने गलत लगाया नवीन के, कि ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है. रिगार्डलेस शी वेंट ऑन हिम, उनकी खुद की वाइफ, कि तो हाँ ये तो ऐसा कर रहा था कुछ. अब इसका आंसर किसी को पता नहीं कि व्हाई वाज डूइंग इट, कि कोई एनवियस, कोई जेलसी, आई डोंट नो क्या था, बट आई डोंट नो भाई. लाइक ये तो एक, ये दिस इज नॉट व्हाट आई हैव सीन, लाइक समथिंग आई हैव नॉट सीन दिस, लाइक आई हैव नॉट सीन हिम थ्रो उड़द की दाल, आई हैव नॉट सीन हिम. बट इट्स ट्रू भाई कि जब व्हेनेवर यू गेट थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज ना, थोड़ी बैड एनर्जी, थोड़ी इविल एनर्जीज सराउंडेड इन योर लाइफ, दिस शुड हैपन भाई. बहुत ही कॉमन वर्ड ट्रेट, लाइक इट्स वेरी इजी टू डिसाइफर कौन इज नॉट, हु इज नॉट गोइंग थ्रू राइट टाइम, समझ रहे हैं, लाइक जनरली बोल रहा हूं. लाइक इट वॉज विजिबल, क्योंकि उसकी वाइफ अगेन शी इज नॉट अ पैरानॉर्मल, कुछ भी उसको पता नहीं, तो शी इज लाइक कि जनरली इसकी वाइफ भी ऑफ थी हफ्ते से. हाँ, मैं क्या बोलूं, इसकी वाइफ भी ऑफ थी, तो कुछ गलत ही, तो ही वॉज डूइंग इट. एंड इट्स क्रेजी भाई, मतलब दिस दिस सो मेनी पीपल जो तू अपनी लाइफ में नॉर्मली कम अक्रॉस करता होगा कि भाई इनकी वाइफ ऑफ है, बट यू माइंड सॉरी. मैं वो जब से मैंने थोड़ा पर्सपेक्टिव लिया ना, मैं थोड़ी और भैंसो मेरी गांड फटती है, कोई उड़द की दाल तेरे घर के बाहर भी हो सकता था. निगा, I'm coming with my bag of उड़द. अब मेरे हेडफोन निकल गए. पता है ऐसा एक हाइपोथेसिस, व्हाट दे से इज कि जब तुम ये टोटका तंत्र तन जो भी कहते हैं इसको, ब्लैक मैजिक जो भी है, व्हेन यू पुट समथिंग ऑन समबडी, जैसे वो कर रहा था ना कि उसके घर के सामने कुछ, व्हेन यू डू समथिंग ऑन समबडी, बट इट फॉर सम रीजन कुड बी एनीथिंग, कुड बी कि उनका कुछ गार्डियन था या व्हाटएवर वे दे वर प्रोटेक्टेड, और वो खराब हो जाता है, इट डजंट वर्क आउट, तो ऐसे नहीं होता कि वो खत्म हो जाता है, इट रिटर्न्स बैक. तो तुझे पता है एक इसको क्या कहते, ब्लैक मैजिक जो भी बोलेंगे, तंत्र, ठीक है, काला जादू जो, ओके ओके, इसमें एक कैटेगरी होती है, इफ आई लाइक उसको नाम, उसको कहते हैं घेल. तो घेल इज लाइक अ स्पिरिट, और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे मामा बताते, मामा मेरे बैकग्राउंड है, वो ही वाज ब्रॉट अप इन हरियाणा पानीपत गांव टाइप, लाइक गांव तो नहीं मतलब तब स्मॉल टाउन, नॉट अ सिटी, बट अब तो अच्छा बन गया, बट तब स्मॉल टाउन इज गांव, लाइक बोगिया है, लोग जा रहे हैं, कच्चा नालियां हैं, इस टाइप. He would tell me about, बहुत पहले की बात है, he would tell me about घेल. वो कहते थे कि रात हम कई बार सुबह सोते थे छत पे खाट लगा के, तो हमें ऊपर ऐसे लाइट जाती दिखती थी जैसे दिया उड़ रहा हो, एंड दे कॉल्ड इट घेल. तो घेल इज लाइक अ काइंड ऑफ स्पिरिट, जिसको ऐसे कुछ कुछ मटके में दिया वगैरह कुछ रख के इसका टोना टोके, लाइक इसका काले जादू होता है, एंड इट्स लाइक अगर तुम इसको किसी पे छोड़ते हो ना, लाइक इट्स लाइक अ evil, evil like a bad practice. तो तुम किसी पे छोड़ते हो for revenge, vengeance or कुछ revenge या फिर something like that, कि उसका बुरा हो जाए इस तरीके से. तो होता है कि घेल जाती है उस व्यक्ति के पास और कहते हैं कि it mimics the sound of somebody they know. तो तेरे पास जैसे शिखर ने छोड़ी थी तेरे भाई और शिखर ने छोड़ी थी, तो तुझे लगेगा तेरी मम्मी बुला रही है, यश इधर आइयो. ओ भलचूत. और अगर तुमने आंसर बैक कर दिया तो इट्स लाइक, सो इट्स अ बूबी ट्रैप, इट्स अ बूबी ट्रैप, इट्स अ ट्रैप. अभी पता नहीं, लाइक अगर तू गांव और ऐसे थोड़े लाइक थोड़े ऐसी जगह पे जाएगा तो मानते कि आंसर फेस टू फेस करा करो हमेशा. किसको? लाइक मेरे को याद है मेरी नानी बोलती थी ऐसे पानीपत वगैरह में, दे वुड टेल अस कि ऐसे बस हाँ दूर से नहीं, लाइक बड़े बुला रहे तो सामने से आके आ जाया करो बस. तब भी लाइक उधर ऐसे एक फियर था कि तुम मतलब डोंट गेट इनटू दिस बुलटर वगैरह. तो क्या होता है अगर घेल वर्क नहीं करती ना, लाइक फॉर व्हाटएवर रीजन, कि लाइक कोई था, लाइक यू आर प्रोटेक्टेड समवे और दी अदर, ठीक है, तो वो जो इविल स्पिरिट है, वो जो तूने जो सिद्ध किया वो और जो तूने छोड़ा किसी पे, हाँ नो इट विल, उसको उसको कुछ इसको किसी पे लगना है, वो तेरे पे लगेगी.
मतलब जिसने छोड़ा था उसमें लगी, मतलब उसको लगना ही है किसी पे, इट कांट गो वेस्टेड, इट कांट गो वेस्टेड बेसिकली होता है। तो कई बार आई वॉज रीडिंग अप ऑन दिस, तो ऐसे बहुत बार ना किस्से हुए हैं। अब डिपेंड्स की तुम्हारा कितना तुम मानते वगैरह हो, बट ऑफ ब्लैक मैजिशियंस और ये ऐसे काले तंत्र, कई बार ऐसा होता था हिस्टोरिकली कि कुछ ये लोग होते थे तंत्रबाजी वाले, और अघोरी बाबा या कुछ, आई डोंट नो क्या एक अघोरी नहीं पर ठीक है, क्या वर्ड होता है, आई डोंट नो इनके लिए क्या वर्ड होता है, जो भी होता, बट वो वुड क्लेम टू बी गॉड और ऐसा करके अपने प्रेस्टीज बढ़ाना, अपना धन, अपना समय, लाइक अपनी पावर बढ़ाते थे कर करके, ये थोड़े चमत्कार दिखा के वगैरह। और फिर इन लोगों के ऐसे एक बंगाली बुक्स वगैरह, बंगाल में तो अगर ये पढ़ तो वहां पे हुआ कि ये किसी से लड़े साधु वगैरह से और फिर हार गए, तो उसने जो प्रेत सिद्ध प्रेत प्रेत छोड़ देते थे, दे कुड सेंड आउट प्रेत टू किल दैट अदर पर्सन, टू गिव, एक ऐसा हुआ है लोगों के घर में पूरी फैमिली बीमार हो गई, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा क्या है। अब तू कह सकते उस टाइम पे चिकन पॉक्स का भी इलाज नहीं होता था, चिकन पॉक्स वाज लाइक एक साइंटिफिक रीजन देना, तो पर तो फिर ऐसा था कि कुछ भाई वो प्रेत छोड़ दिया, पूरे फैमिली बीमार, पूरा सब खराब, ये क्रेजी वही जो पैटर्न्स होता है ना कि पूरी फैमिली वैनिश हो रही है। मैंने खुद देखा, मेरे लिटरली मेरे पड़ोसी थे, मेरे पड़ोसी, आई एम नॉट किडिंग, जेन्युइनली मेरे एक घर, मेरा चाइल्ड वहां बीता था, ठीक है, मुझे पता नहीं रीजन क्या, आई डोंट नो, बट हुआ क्या था कि बहुत ही बड़ी ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, मेरे बिल्कुल घर के बगल में, ठीक है, तब मैं हूंगा 12-13 ऐसा कुछ, ठीक है, 12-13 का, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली बगल में, एंड आई रिमेम्बर कि उनकी, क्योंकि एक प्रॉपर कोई अंकल होंगे, उनके 3-4-5 बेटे, उनकी वाइफ, एंड पूरी ऐसे पूरी फैमिली सेट थी, प्रॉपर फैमिली थी, समझ, लाइक इवन कुछ किस लड़की के पापा ले रहे थे, बहुत अजीब सीन था, बहुत ही बड़ी फैमिली थी, ठीक है, अजीब सा सीन था। एंड आई रिमेंबर विद इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स पूरी फैमिली खत्म हो गई, पूरी फैमिली डेड, लाइक मुझे आई रिमेंबर, पता क्या होता, दे हैड यंग पीपल लाइक मे बी 25-27, कोई किसकी अभी शादी हुई होगी, कोई अभी बिल्कुल पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे रैंडम, ठीक है, एंड 3 ऑफ देम आई थिंक मेट एन एक्सीडेंट कोई गाड़ी में, ऐसे रैंडमली 3, एक ने सुसाइड कर ली थी, आई रिमेंबर, एंड नॉट उस घर में, कहीं और, नॉट उस घर में, कहीं और, बट रिलेटेड उनकी फैमिली, हाँ रिलेटेड, मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ नॉट उस घर में कि वही लड़का उस घर का, बट उस घर के अंदर नहीं करी, मैं कह रहा हूँ कहीं और, अच्छा वो, ठीक है, तो मतलब आई डोंट लाइक, अगेन फ्रॉम व्हाट आई व्हाट वी हर्ड कि पता नहीं क्या हुआ यार, लाइक अभी तक मैं लुक बैक करूं तो मेरे को बताया ना, मैं लुक कुछ आई एम नॉट ट्राइंग टू से कुछ पैरानॉर्मल है, मैं समझ सकती कि बट आई रिमेंबर कि विद इन द स्पैन ऑफ 5 इयर्स बहुत वियर्ड, एग्जैक्टली, एवरीबॉडी हेटेड देम, आई रिमेंबर हम क्रिकेट खेलते थे गली में, ठीक है, और हम गली में खेलते क्रिकेट, और वो हमेशा लड़ते थे, दे वर ऑलवेज द वंस हु लड़ते थे, लाइक हमेशा रात को, पता है रात को 9-10 बजे ऐसे होते कि भाई घर बंद कर दो भाई लड़ाई की वजह, लाइक आधे घंटे पूरा एंटरटेनमेंट होगा, पूरा हर कोई लड़ता था, और गली के बाहर आके लड़ते थे, और ऐसा नहीं कि अपने में लड़ रहे हैं, उनके खुद 4-5 भाई किसी और से पंगे ले ले, पूरी गली में लड़ाई मारपीट चल रही है, तो मतलब इट वाज ऑलवेज क्योटिक, ऑलवेज क्योटिक, आई रिमेंबर भाई लाइक अच्छी तरह कि हम तो लाइक दिवाली का टाइम था, रिमेंबर, और मैं हम पटाखे फोड़ रहे हैं, थोड़ा सब कुछ खुश है, दीवे जला रहे हैं, लड़ाई स्टार्ट हुई, हर कोई घर चला गया, पूरी गली में आधा घंटा मारपीट चल रही, बिल्कुल डर लगता था कि भाई क्या होगा, इतनी तेज कौन किसको मार रहा है, किससे मार रहा है, समझ रहे, किससे मार रहा भाई, क्या पत्थर था, क्या मार रहा भाई, इतना तेज की वजह आ जाती है, तो ये तो मुझे पक्का पता कि दे हैड अ लॉट ऑफ दुश्मनी, एंड आई रिमेंबर कि अल्टीमेटली अर्गिस ने बोला कि भाई इन्होंने इतनी दुश्मनी पाल रखी थी ऐसा कुछ, बट आई डोंट नो, समझ रहे, आई डोंट नो कि रीजन क्या, कि मोस्ट ऑफ द यंग ब्लड इन द फैमिली वैनिश्ड, दैट्स क्रेजी, पूरी फैमिली, दैट्स क्रेजी, लाइक समझ रहे, दैट्स क्रेजी, एंड फिर वो घर शिफ्ट हो गया ऑब्वियसली, एंड उसी घर में मुझे याद है, क्योंकि ये सब वो था, टिल आई वाज 15-16, ठीक है, तो उसके बाद मेरे को उस घर में कोई और शिफ्ट कर गया था, कुछ था नहीं नॉर्मल, तो मैं कुछ लाइक ऐसा कुछ था नहीं, समझ, देयर वाज नथिंग कि कुछ बैड हो, लाइक कुछ पैरानॉर्मल टाइप कुछ हो रहा है, नेवर एक्सपीरियंस कुछ भी ऐसा ऑब्वियसली, बट लाइक उस घर में फिर कोई और आंटी रहने लग गई थी, हाँ ठीक है, फिर कुछ हुआ नहीं था ऐसा कुछ, बट अगेन आई डोंट नो भाई कि आई डोंट नो उसके बीच में क्या कि पूरी फैमिली खत्म होना, इट कुड बी अगेन अ कर्स, आई डोंट नो भाई मतलब आई डोंट थिंक किसी के पास इतनी पावर है कि वो घेल के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू can send prayer or send bad energies, I don't know, is it much about ki tum kitni purity se chahte ho bilkul sachche man se itna bura ya fir you use ek mean of black magic, I don't know, kyunki I don't know bhai, I've told you a story, I think tumhe maine bata rakhi story ki mere kaun si apna scene, it sounds like ki meri gali mein jo paranormal tha, but aisa nahi tha, like
ऐसा कुछ था नहीं ऑब्वियसली यार, आई रिमेंबर मैन वाज लिविंग इन अ ग्रेवयार्ड भाई वो था यार, यही तो प्रॉब्लम पता है हमारी कॉलोनी के बिल्कुल बगल में कब्रिस्तान था, ठीक है, पर वो तो अलग, वो तो उससे कुछ, हाँ मतलब कॉलोनी बहुत बड़ी थी ना वो, फिर हो सकता है भाई, अब जो भी है, पर वो तो बहुत जगह होता है कब्रिस्तान तो, लाइक समझ, इसमें क्या बड़ी बात है, काफी जगह नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी पीपल आर अटैच्ड टू देयर बॉडीज, डेथ एग्नाइजिंग तभी तो होती है, मेरे को नहीं मरना, व्हाई डू आई हैव टू डाई, why me, why not this guy, why not them, why me, और तभी कहते हैं वो इतना, like again, good people might die good deaths, they might be, it's fine, it's my time, again भाई it's like death बहुत सारे लोगों के लिए including me could be very painful, could be very, मेरे को गुस्सा आ जाए अंदर से, like unfair, it feels, why am I dying? बट अगर तू, बट इफ यू रियली वो लाइक जो लोग सुसाइड लो, यार आई डोंट लाइक, हम इसको वहां पे ले जाएंगे इस टॉपिक पे, लाइक जो लोग सुसाइड करते हैं तभी तो जो क्रेमेट कर देते हैं बॉड कुछ, ताकि देयर इज नथिंग टू बी अटैच्ड टू, तभी तो दफनाते नहीं यहाँ पे भाई, कुछ रहे ना इस जन्म से अटैचमेंट तुम्हारी, गो अवे, लीव, सही में, बट अगर लाइक फॉर एग्जांपल जब व्हेन वी डाई तो हमारे मिट्टी, द मिट्टी इट स्टेज डजंट इट, हां बट वो भी अस्थियां बहा देते हैं ना गंगा वगैरह में, अस्थियां तो बहा देते हैं, डजंट इट स्टेइंग गंगा, आई डोंट नो लाइक हाउ डू यू, बिल्कुल गंगा तो भाई, फिर गंगा तो इज लाइक गंगा क्या है, गंगा तो अच्छा वो ठीक है, मैंने स्पिरिचुअल, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड वो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन, अंडरस्टैंड ठीक है, आईडिया ही है, पता नहीं भाई, लाइक अबे Let's stick to ghost stories, ठीक है? हम ना बहुत वो जा रहे हैं, so, like, we are going very वो, काला जादू, वो बकचोदी हो रही है, like, death, ना, अब, like, ठीक है, that is true, similar, it's the same, similar, it's obviously similar, but मेरी गांड फट रही है बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम थी, बट अलग वो, ठीक है, let me share to you, एक स्टोरी, पता मैं एग्जाम्पल दे, ठीक है, क्योंकि पता, I'm not here, we're not, like, I consciously try कि मैं यहाँ पे याप ना करूँ, I don't याप, समझ रहा है कि like बंचों में बना के बस हम घोस्ट पॉडकास्ट करते हैं, like really want to go back and कि मैंने ऐसा क्या विटनेस करा पर्सन, समझ रहा है कि मैंने ऐसा फील क्या करा एग्जैक्ट, तो आई रिमेम्बर एक बहुत अच्छी तरह कि अगेन मैं आई थिंक काफी बता रहा, मेरे घर की डेमोग्राफिक, मेरे घर का वो था, माई एरिया हैड अ वो, दिस वॉज द मैप, ठीक है, दिस इज माई होम, ये गली, गली के लेफ्ट पे जाओगे टी पॉइंट, ठीक है, राइट पे एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम जो बिल्कुल लाइवली है, लेफ्ट पे एक स्कूल जो अबैंडन्ड है, दिस वाज द ग्राफ, ठीक है, जब से मैं बड़ा हूं तब सर को पूछता था कि भाई स्कूल में, मैं पूछता था घर वालों से कि भाई स्कूल में कोई जाता क्यों नहीं, स्कूल बंद क्यों, और स्कूल के बीच में एक बरगद का पेड़ है, तो तेरे को पता है इट्स साउंडिंग टू बी लाइक दैट स्पूकी प्लेस, ठीक है, स्पूकी सीजन, एंड आई यूज्ड टू आस्क, तो फिर कुछ कुछ स्टोरी बताते कि हाँ एक बारी उस स्कूल के बगल में एक बैंकेट हॉल था, वहां पे एक बारी शादी हुई थी, और शादी में कोई एक बारी गेस्ट आया होगा, वो कुत्ता लेके आया होगा, तो वो कुत्ता लेके एक बारी स्कूल के अंदर चला गया था, उस टाइम पे स्कूल लाइवली था, तो रात को स्कूल के अंदर चला गया होगा, कैसे पता नहीं, कुत्ते को मुक्त कराने जो भी है, एंड सुबह सुबह कुत्ते और उसकी लाश मिली, हड्डियां मिली, तो ठीक है ऐसा कुछ था, तो ये मैंने सुना था, लाइक दैट्स हाउ आई ग्रू अप विद, ठीक है, लाइक ऐसा कुछ बकचोदी है, तो दे ऑलवेज वॉर्न्ड कि भाई मत बकचोदी करो वहां पे स्कूल के पास, ऐसा कुछ है नहीं, घूम लो, बट डोंट फक अराउंड, इतना, विच वॉज फेयर एनफ, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि हम खेलते थे फुटबॉल इन दैट पार्क, वो टी पॉइंट राइट पार्क, ठीक है, तो फुटबॉल की बकचोदी की, यार मैं फुटबॉल मैं लाता था हमेशा, ऑलवेज आई यूज्ड टू ब्रिंग द फुटबॉल, तो आई वाज, मैं सड़ गया था, मैंने कहा मैं ही लाऊंगा, माशाल्लाह मैं ला रहा, शाम के बरकत बच गए थे 8, मुझे लौंडे घर बुलाने आ गए, घर बुलाने के भाई आ जाओ यश, अरे खेलते हैं, मैं गया नहीं, मैं कहा यार ना, मतलब ठीक है, पर मैं कहा मैं जाऊंगा पर मैं फुटबॉल लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये दले लाता नहीं, मैं लाता हूं हमेशा, मैं नहीं लाऊंगा इस बार, मैं ऐसा हो गया, ठीक है, तो उसने कि आज मैं जाऊंगा क्योंकि मैं वेल लाऊं उस टाइम पे, और मैं इनको बोलूंगा भाई मैं ला नहीं पाया सॉरी, और इनको इनका टाइम वेस्ट करूंगा, बच्चों दिन घर आऊंगा, ये रियलिटी, ये पॉइंट, ठीक है, वहां पे गए, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट नाइट आई हैड विद माय फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो व्हाट, मेरे पास फुटबॉल तो है नहीं मेरे पास, यार यार फिर क्या करना है, फिर मेरा एक दोस्त है उसका नाम सार्थक, सार्थक, सार्थक भल्ला, आई विल टेक हिज फुल नेम, ठीक है, ही वाज लाइक कि भाई दो बेंच स्टेडियम में, दो बेंच लगाते हैं, बैठते हैं घोषणा की बातें करते हैं, और शाम के 8 बजे भाई इतना मजा आया था बेंचों, हमने एक दो घंटे बात कर दी, मुझे याद है मेरे पापा मेरे को लेने आ गए थे,
कि भाई क्या हो, घर नहीं आया तू, 10 बज गए बैठे, क्या कर रहा है? और बेंच पे बैठा हुआ बिल्कुल दोस्त से बातें कर रहे, 6 साल लड़के थे। तो भाई उस टाइम पे इतना मजा आया। तो सार्थक ने एक कहानी बताई मुझे, ठीक है। सार्थक अगेन वॉज फ्रॉम अ विलेज, उसकी पूरी फैमिली विलेज से, ठीक है। आई थिंक मोस्टली पंजाब, वो पंजाबी था, सरदार नहीं, हाँ ठीक है, पंजाबी था, नॉट सरदार, बट उसके पंजाबी रूट्स थे, ठीक है, फैमिली पंजाबी। कह रहा कि एक बारी, उस टाइम पे सार्थक होगा 16 15 का, ठीक है। तो कह रहा एक साल हो मेरे घर में जिन आ गया था। मैं क्या, मैं क्या बकचोदी है, क्या बोल रहा भाई? तो मैं अगेन, लाइक अगेन बिफोर आई टेल द स्टोरी, आई डोंट नो इफ इट्स रियल और नॉट, ठीक है, लाइक आई डोंट नो, क्योंकि दोस्त बकचोदी कर रहे, हु नोस, बट ही टोल्ड इट्स रियल, तो ठीक है, लाइक अच्छा लड़का था, बहुत जेन्युइन था, तो लाइक है जिंदा ऑब्वियसली, आई होप, तो अच्छा मुझे बता नहीं, ठीक है। तो मैं क्या हो गया भाई, जिम कैसे आ गए? कह रहा पता नहीं, एक बारी लाइक हमारे घर में अपने आप, उनका एक छोटा भाई गुड्डू होगा, अपने आप वो सोता था और उठता था किचन में, और ऐसे 4-5 दिन हुआ कि और सोता बेड पे, अच्छा सुलाते हैं बेड पे, उठता है किचन में, सिर्फ 5-6 बार हुआ। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि किचन में क्यों जा रहा है बार बार, क्या है किचन में ऐसा, ऐसा क्या हो रहा है? तो ये बार बार हुआ, तो उन्होंने प्रॉपर उसको दिखाया कि इसको हो क्या, क्योंकि बहुत रोने भी लग गया था, बहुत रिएक्शनरी हो गया था गुड्डू, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, अब जो भी सिम्टम होंगे मुझे पता नहीं, ठीक है, बहुत ही बात नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, वो सब हरकतें, ठीक है, दो दो दिन बिना खाना खाए रह रहा है, बिल्कुल खत्म सीन, बिल्कुल खा ही नहीं खा रहा, उल्टी कर रहा बार बार, उल्टियां, थोड़ा ऐसा सीन हो गया, मतलब ऐसा कुछ, यू कांट से कुछ बुरा हुआ, बट बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। सो रहा है किचन में, उठ रहा है, सो रहा है किचन में, उठ रहा है, और किचन उनके पास 2-3 कमरे दूर थी, लेकिन इनका छोटा घर था, 2-3 कमरे दूर थी। तो उन्होंने ना अपने गाँव में कॉल करा अपने दादाजी को कि ऐसा गुड्डू है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो दादाजी ने बोला कि तू ना इसको कल रात को ही भाग के, क्योंकि उन्होंने शाम को 8 बजे कॉल करा, ठीक है, सॉरी कल नहीं, हाँ शाम को 8 बजे कॉल, तो इसको आज रात ही पंजाब ला, कैसे भी करके ला तू ला, वरना ये बचेगा नहीं, तो उसको ला। तो सार्थक आई रिमेम्बर, क्योंकि उसके पापा उस टाइम पे घर से बाहर थे, उसकी मम्मी बीमार थी, ऐसे कुछ उनको कुछ प्लास्टर हुआ था, मुझे याद नहीं, बता रहा था वो, कह रहा आई हैड टू गो। तो वो जब 14 का था, 14-15, उसने टिकट करी पंजाब की, 5 घंटे का रास्ता होता है, चंडीगढ़ पंजाब से, ठीक है, 5 घंटे का रास्ता। कह रहा वहां से मैं तो बाइक से इंतजाम करके ले आऊंगा तुम दोनों को, ठीक है, दादाजी ने ये बोला। 5 घंटे का रास्ता वो लेके गया उसको, ठंड बिल्कुल, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, ठीक है। वो गए दोनों स्टेशन पे, गए स्टेशन खाली, वो सब ठीक है, उसने पूरा ट्रैवल करा, वहां पहुंचा स्टेशन पे। व्हेन ही रीच द स्टेशन, एक अकेली बाइक वहां पे थी, अकेली बाइक, पूरा स्टेशन खाली, मोस्टली सुनसान, अकेली बाइक, वहां पे एक राइडर था जो भी था, आओ तुम्हें छोड़ दूं, सार्थक आ जाओ, ठीक है, बैठा, गुड्डू को आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। गुड्डू का पूरा शरीर जम चुका, कोल्ड, लाइक उसने बोला कि द मोमेंट मैं स्टेशन पहुंचा ना, इट वॉज नॉर्मल, बट द मोमेंट मैं उस बाइक पे बैठा, वी ऑल वर फ्रीजिंग। कह रहे कि इट वॉज लाइक टेम्परेचर चेंज हो गया। कह रहा मैं मैप नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लगा कि टेम्परेचर चेंज हो गया, और गुड्डू को तो मैं हाथ रखा, तो मेरे हाथ वो हो गए थे, इतना ठंडा कैसे हो गए। तो बाइक चला के जा रहे हैं, ठीक है, और अगेन वो रात को पहुंचा होगा 12-1 बजे, तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो रात को 12-1 बजे पहुंचा पंजाब चंडीगढ़, तो स्टेशन से गांव जा रहा होगा जहां पे, ठीक है, बाइक से गांव जा रहा है। अगेन आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट ही लुक्स एट इट, कह रहा कि मैं बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ, आई लुक एट द फीट, फीट उल्टे, ड्राइवर के पैर ही उल्टे, आई एम जंपिंग ऑफ द बाइक। तो फिर मुझे कहता कि पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं बिल्कुल आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, मैं बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल बाइक पे ऐसे, और हम दोनों लटकते हुए जा रहे थे गुड्डू और मैं, पता नहीं हमें क्या हुआ। उठा तो एक बिल्कुल रैंडम कब्रिस्तान के बाहर था, कह रहा वहां पर मेरे दादाजी खड़े थे, ठीक है, बाइक देर से बाइक, आधे घंटे बाद उसको होश आया, मुझे पता नहीं, वो और गुड्डू हाथ पकड़े खड़े हैं, राइट देखते हैं उसके दादाजी खड़े हैं, तीनों हाथ पकड़े खड़े हैं कब्रिस्तान के बाहर, और वो देख रहा है दादाजी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, और ये सब वो बिल्कुल इस टाइम पे ना, वो उसको कुछ होश, कह रहा मुझे कुछ होश नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि दादाजी ने हम दोनों के हाथ पकड़ रखे हैं, और रैंडमली मैं भी बाइक से जा रहा हूँ, मैं रैंडमली कब्रिस्तान में आ गया, क्या हो रहा है। तो दादाजी ने ये सब करके उसको जल्दी भेजा वापस दिल्ली। दिल्ली में उसकी, जब वो पहुंचा वहां पे घर पे, उसकी मम्मी ने पूरी किचन खुदवा रखी थी, क्योंकि किचन के नीचे किसी ने कुछ गाड़ रखा था,
तुमने पंडित ये बुलाए, था कुछ। पंडित हाँ बुलाए कॉपीराइट प्रॉपर, अगेन स्पेल को हटाया सो हरकतें, नाउ देर फाइन, गुड डू इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट आई डोंट नो भाई, दैट्स फकिंग क्रेजी, इट्स भाई, क्रेजी। लाइक दैट्स क्रेजी। जब मैंने सुनी थी ना वो, तो मेरी गांड भड़क गई, तो बहन छोड़ फक, क्या कब्रिस्तान, क्या क्या बहुत ही तीन, क्रेजी। और तो रात को तुम पंजाब में 14-15 साल का लड़का, बहन गुड्डू छोटा लड़का, दादाजी वही वही बहन हाँ क्या पागलपन बकचोदी है भाई, बहन सही जो में। क्या बकचोदी है, और उसको देख के लगता, और वो बिल्कुल स्ट्रांग सारता, बिल्कुल स्ट्रांग बंदा, बिल्कुल नहीं पर्सनैलिटी में, बिल्कुल दबंगी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसको, डरता नहीं इस चीज से, ऐसा बंदा। और आई एक्सपेक्ट कि वो लीस्ट बंदा हो जो ऐसी कहानी बता पाएगा, क्योंकि इट वाज क्रेजी कि हम फुटबॉल नहीं खेलते, कि मैं आई डिडंट डिडंट ब्रॉट द बॉल, ब्रिंग द बॉल जो भी है, एंड वी हैड द घोस्ट सेशन, बट हाँ दिस वाज अ स्टोरी। ब्रा दैट्स क्रेजी भाई। ऐसे मैंने बहुत सुना है, बहुत लोग बोलते हैं पैर उल्टे होना, वो चुड़ैल के साथ भी चुड़ैल आप जो वो होती भाई है। मुझे पता नहीं, या पता नहीं, क्रेजी। ऐसी एक स्टोरी है, आई थिंक ये मैं भूल गया एग्जैक्टली, कोई आयोवा में देर इज अ वेरी फेमस, अब होटल नाउ होटल, इट यूज्ड टू बी आयोगा, अ हाउस, आयोवा अमेरिका में एक जगह है, अच्छा ठीक है, एक विलियो से हाउस समथिंग लाइक दैट, कुछ विस्कोसन या मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, कुछ वी ठीक से है, था विस्कोसन नाम सुना, हाउस का ठीक नाम, है ठीक मैंशन। है, इट इज फेमस, इट इज नोन एज द हाउस ऑफ एक्स मर्डरर, कुछ ऐसा एक्स मर्डर्स ओके ठीक समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ 90s समथिंग में, 90s 80s आई डोंट नो कब, एक कुछ बच्चे और कुछ औरतों का मर्डर हुआ था, शायद वो फैमिली थे या समथिंग लाइक दैट, विद एन एक्स, और नोबडी फाउंड द कल्प्रिट बेसिकली, कि किसने मर्डर किया, नोबडी फाउंड। और उधर लाइक वो उसकी उसने नोटोरियसनेस इसलिए ले ली थी क्योंकि फिर जब बाद में वो रिफर्बिश हुआ, जब उसको पूरा रिनोवेट वगैरह कराया, कि वहां पे लोग हाँ आते थे रहने फॉर दैट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, एंड एवरीबडी वुड से कि अच्छा, थोड़े नॉक, थोड़ा थंपिंग, समटाइम्स दे वुड हियर द साउंड ऑफ एन एक्स, समटाइम्स दे वुड हाँ हियर चिल्ड्रन स्क्रीमिंग, छोटी छोटी मफल्ड हाँ स्क्रीम्स वगैरह इस तरीके से। बट एक इंटरेस्टिंग उसमें आता है, मैं उस आदमी का नाम भूल गया, सबसे फेमस वो बंदा, ही हैजंट गिवन अ इंटरव्यू, ही हैजंट कम आउट इन पब्लिक आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस बंदे का नाम है फेमस, आई फॉरगॉट हिज नेम। वो बंदा आता है रहने सेम जगह, उस नाइट वो रुकता है, रात को दे फाइंड आउट ही हैज नाइफ वूंड्स दैट आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, उसने खुद करे थे। उसका लक अच्छा था, ही सर्वाइव्स द नाइट, उसको हॉस्पिटल ले जाते, उसके साथ पूरा थेरेपी वगैरह होती है, ठीक है नथिंग अनयूजुअल ऑफ सॉर्ट्स, कुछ ऐसा लगा नहीं, वो बंदा नॉर्मल है, अभी भी रह रहा है अपना, बट ही हैजंट कम आउट ऐसे पब्लिकली इस बारे में बात करते हुए, उसने थोड़ा उस समथिंग, उसके लिए ऑब्वियसली इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो भी था, ठीक है पीपल स्पेक्यूलेट इट वॉज सुसाइड ठीक है अटेम्प्ट, डॉक्टर से इट वॉजेंट, जो उस हाउस की अभी तक जो ओनर है वो कहती है इट इज वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरीज आई हैव एवर हर्ड रिलेटेड टू दिस हाउस, पर वो कहती है कि आई वुड नेवर वॉन्ट लाइक, वो ऑब्वियसली मार्केटिंग स्टिक की, मैं नहीं चाहती कि लोग ठीक आए है और हाँ उन्हें लगे कि दे विल किल देमसेल्व्स, बट आज तक उस हाउस में लोग आते हैं टू एक्सपीरियंस वो एक्स मर्डरर, जहाँ पे वो मर्डर्स हुए, एंड देर इज दिस जस्ट वन केस जो मैंने देखा था, विच साउंड लाइक उस बंदे ने खुद अपने, लाइक दैट्स व्हाट दे सेड, कि उसने खुद चाकू लेके अपने लोग इतना वहां पे जाके सुसाइड फिर ऐसे हो जाते हैं, आई डोंट नो, बैड प्लेस लाइक वी अब। इट्स अ बैड प्लेस टू बी। नहीं मैं आई फील लाइक, मतलब अगेन भाई आई थिंक अल्टीमेटली जो मेरा भी पर्सपेक्टिव है, आई डोंट नो, क्योंकि देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैंने कभी सर्च भी नहीं करा ऐसे, बट आई थिंक हाँ, व्हेन व्हेन यू जब तुम व्हेन यू आर सराउंडेड विद बैड एनर्जीज, तुम काफी विजिबल होता है कि तुम समझ, लाइक आई एम नॉट सेइंग, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बस पैरानॉर्मल होता है, बट इट्स थोड़ा, यू जस्ट फील लाइक तुम इनएक्टिव हो, यू फील लाइक यू डोंट वांट टू वर्क, तुम नेगेटिव हो, यू ऑलवेज साउंड नेगेटिव, एंड मुझे याद है मेरे घर में एक अंकल थे, वो बोलते थे मुझे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो,
भूत होता है रैंडमली, कि भूत और उनमें फर्क नहीं होता, नेगेटिव राउंड लोगों से दूर रहो, भूत जो और कोई बोलता है स्टे आउट ऑफ नेगेटिविटी, तो को बताओ ऑब्वियसली लाइक डोंट बी सराउंड विद नेगेटिव पीपल वो I don't know ऑब्वियसली बकचोदी क्या, मैं को कुछ कोरिलेट नहीं कर रहा हूं दोनों के बीच में ऑब्वियसली, बट तूने कभी ऐसे सोचे जो स्किजोफ्रेनिक लोग होते हैं तो दे सी अ लॉट ऑफ घोस्टली थिंग्स? सही में आई डोंट नो है, सही में लाइक स्किजोफ्रेनिया में होता क्या है, लाइक यू सी लाइक हेलुसिनेशंस, ऐसे तो घोस्ट भी टेक्निकली हेलुसिनेशन है, दे डोंट एग्जिस्ट लाइक, ठीक है, पर वो लाइक तू कभी देखियो कुछ स्किजोफ्रेनिक, एक बहुत सारे मर्डरर्स, बहुत सारे मेंटली जो सिक पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने क्राइम कमिट करे, दे आर स्किजोफ्रेनिक, उनके कान में कोई बंदा बोल रहा है, उनको आवाजें आती हैं, पता है ये काफी इंटरेस्टिंग, आई रिमेंबर भाई, आई रिमेंबर मैं कोई इंटरव्यू दे रहा था, मुझे पता नहीं पिछले हफ्ते की बात है, अब रिसेंटली, एंड उसमें भूल गया कहां पे था, कॉन्टेक्स्ट भूल गया, वहां पे बोल रहे थे कि भाई उन्हें जेफरी डामर जिसने घर का तकरी गंदी गंदी, या फिर जो भी लाइक क्रिमिनल्स होते हैं, फिर लाइक फकिंग क्या कहते हैं साइकोपैथ्स होते हैं, जो भी जो पागल होते हैं, तो एक बंदा बैठा होता उसने बोला कि भाई इट्स नॉट जेफरी डामर हु डिड इट, जेफरी डामर इज नॉट अ ह्यूमन, वो कह रहे हैं कि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ ना, इन लोगों की बात करता हूँ जो इतने गंदे गंदे काम करते हैं, लाइक इवन ही सेड हिटलर या फिर जो भी, आई डोंट नो, जो भी जो बहुत दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू डू क्रेजी शिट, कह रहे यू आई वुड नेवर रेफर टू देम एज ही और शी, दे आर इट, कह रहे वो इंसान हो ही नहीं सकते, एंड ही डिडंट मीन कि वो काम ही जानवरों वाले कर रहे हैं, वो कह रहे कि वो दे आर नॉट इन देयर कंट्रोल, वो किसी और एंटिटी से गवर्न्ड, डीमन टाइप, अब मुझे पता नहीं डीमन, बट अगेन भाई इफ यू वॉच जेफरी डामर की स्टोरी भैंचोद, तो भैंचोद क्या बात कर रहा है भाई, पागल है क्या वो, कोई इंसान कैसे करेगा यार, कौन इंसान करेगा भाई, भाई मुझे पता नहीं भाई, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोले कि भाई नहीं, पर उसकी बचपन से हैबिट ऐसी, आई डोंट नो भाई, बट दैट्स क्रेजी, उसने बोला था कि पता है जेफरी डामर की तो स्टोरी पता ना, कि जेफरी डामर वाज खाता था, कहता हूं उसे, लेकिन नहीं उसको इंटरेस्ट इन चीजों में है, क्योंकि ही वाज, उसने कोई इंटरव्यू दिया कि बचपन से आई वाज वेरी क्या कहते हैं इनटू क्या कहता हूं उसे, क्या करता है कि चीजों को, हाँ एनिमल्स को मार के उनको स्टडी करना, चींटियों को मार के उनको स्टडी करना, इनको प्रिजर्व करना, तो कह रहे थे मैं बचपन से आई वांटेड टू नो मोर अबाउट बॉडीज, ऐसा कुछ पता नहीं कुछ बोला था, ऐसा कुछ कि मैं बचपन से करता था किसी बिल्ली को, ऐसा पता नहीं एग्जैक्टली कुछ समझ रहा, किसी को ऐसे मार के स्टडी करना, प्रिजर्व करना, फिर कह रहा है आई वांटेड टू नो अबाउट ह्यूमन बॉडीज, एंड फिर वो स्ट्रिप क्लब ब्लैक क्लब जो ब्लैक लोगों के पीछे गए, मुझे पता नहीं जो भी उसने करा मैनचूत लग गया, आई डोंट नो, शायद जेफरी डामर जैसे और भी थे, मैं नाम भूल रहा हूं, कुछ क्यों होंगे, एक बार ऐसे तूने कई बार स्टोरी सुनी आने लाइक तूने पढ़ी भी होंगी कुछ लोगों के साथ, ऐसे जेफरी डामर ही था, कौन था आई एम फॉरगेटिंग, कि वो लड़की आती है बाहर और फॉर सम रीजन वो लिफ्ट मांग रही होती है, कोई कैब आती नहीं, फिर एक गाड़ी रुकती है और उसपे एक हैंडसम सा बंदा होता है, बहुत चार्मिंग सा, वो उसे बोलता है ड्रॉप यू बाय, पर वो फॉर सम रीजन आई डोंट नो वट एवर, वो लड़की ना मना कर देती है, नो इट्स फाइन मैं कैब ले लूंगी, और वो नेक्स्ट कैब लेके घर चली जाती है, जब न्यूज आती है व्हेन ही गेट्स कॉल्ड, जेफरी डामर था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ब्लडी लाइक सीरियल किलर, कोई ऐसे ही था, सम कैनिबल शिट, ही वुड किल वुमेन इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो सीरियल किलर ये करता था, ही वुड किल वुमेन, डोंट नो होंगे, खाता था समथिंग लाइक दैट, और वो न्यूज आती है, वो उसको पता चलता है कि शिट उस दिन जब ये लिफ्ट मैं ले सकती थी इट वॉज दिस गाय, और वो फॉर सम ऐसा कुछ दैट्स क्रेजी लक का ऐसा जंजाल, ऐसा लाइक डेस्टिनी, उसने बस फॉर सम रीजन उसको चार्मिंग लगा भी, उसको जेन्युइनली वो चार्मिंग लगा वो लड़का, बट उसने फॉर सम रीजन मना कर दिया, थोड़ी फ्लर्ट वगैरह करके और अगली कैब पे चले गए, दैट वाज गोइंग टू बी हर, ऐसे मैंने स्टोरी पढ़ी, मैंने सुन रखा है, मैंने ऐसा कुछ सुन रखा है, मुझे एग्जैक्टली वो बंदे का नाम नहीं पता, बट मैंने सुन रखा है, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, यार ये जो सीरियल किलर था उसका नाम, दैट्स क्रेजी भाई, आई डोंट नो, इमेजिन भाई ये कितना स्केरी है, imagine being ऐसी जगह, तूने like have you ever first hand experienced, या फिर अगर तू वापस look back करे any evil या फिर कुछ ऐसी energy या फिर कुछ something, I don't know, कोई entity या फिर कुछ भी personally first hand, बहुत weird वाला mostly नहीं, but एक case है जो मेरे को लगता है, अब मैं अपने आपको शायद हो सकता है मैं बता रहा हूँ कि ये बोला एक self convince करने की कोशिश करूँ, but एक बार मुझे याद है 12th का time था boards वगैरह का, not the best times for me like mentally, रात को सोया और मुझे याद है कि तब मेरे रूम में मेरे भैया भी सो रहे थे,
तो ऐसा था लाइक वी आर लाइक मान ले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 feet अपार्ट, उनका बेड यहाँ है मेरा यहाँ, 8 feet अपार्ट ठीक है। एक ये जो यहाँ पे साइड में विंडो है और विंडो से स्ट्रीट की लाइट, स्ट्रीट लाइट है सामने घर के, तो उससे जो लाइट आ रही है थोड़ी बहुत वो आ रही है जस्ट इनफ कि जब आंख के सामने कोई ऐसे जाता आता है तो थोड़ा सा नोटिस होता है, ऐसे बहुत डिस्टर्बिंग नहीं, बट समझ रहे वो कई बार होता है कि लाइट का सोर्स कम हो जाता है तो तेरी आंखें बंद है लेकिन तुझे पता चल रहा है कि कुछ लाइट के सोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट है। तो ऐसे ही था, आई रिमेम्बर स्लीपिंग एटलीस्ट ट्राइंग टू स्लीप, ढंग से नींद नहीं आ रही थी। और क्या होता है मेरे को ना ठंड लगने लगती है बहुत बुरे तरह, और तब सर्दियों का सा टाइम था, कंबल में था, मतलब बहुत सर्दियां नहीं थी बट ठीक है इतनी ठंड लगने लगती कि मुझे कंबल में ठंड लग रही है, मैं कंबल उतार देता हूँ मतलब ऊपर से हटा देता हूँ, सो रहा हूँ और तब मेरे को लगता है कि अब मेरे को जैसे कोई मेरे सामने से गया हो ऐसे, सॉरी मैंने ठंड बोल रहा था, मैं गर्मी लग रही थी मेरे को बहुत तेज एकदम से, लाइक पसीना गर्मी लग रही थी, अच्छा अच्छा गर्मी लग रही थी, ठंड का मौसम था पर मेरे को गर्मी लगने लगी, पसीना होने लगा, तो मैंने कंबल उतार दिया घर में और मैं लेटा हुआ, और फिर वही हुआ वो स्ट्रीट लाइट आती एकदम से मुझे लगा कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, कोई गया वो मेरे सामने से जाएगा ना तो एक सेकंड के लिए वो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, मेरे को ये लगा, मैंने कुछ ऐसे नोटिस, मुझे लगा भैया गए होंगे टॉयलेट वॉयलेट यहाँ से निकल के, दरवाजा मेरे साइड में था तो मुझे लगा शायद वो गए होंगे भैया, मैं सोता रहा और एकदम से जैसे वो हुआ है मान ले 5 सेकंड बाद भयंकर ठंड, अभी मेरे को पसीने आ रहे थे, अब मेरे को भयंकर ये वेदर वाली बकचोदी क्या भाई, वेदर चेंजेस क्या होते हैं भाई, जैसे कि कोल्ड हो जाता है एकदम से पे। और इंटरेस्टिंग ये था कि तब मेरी फटनी शुरू हुई द मोमेंट आई नोटिस कि मुझे अब एकदम से ठंड लग रही है, अब कुड भी कि पसीना इवेपोरेट हो रहा है तो ठंड लगेगी, पहले पसीना आ रहा था मुझे वो, पर मेरे को तब लगता है कि कोई वो जो बंदा यहाँ से गया है वो मेरे यहाँ आके पीछे, मैं ऐसे लेट हूँ और दे आर लाइंग बिसाइड मी और कुछ पीछे मेरे, और बस तब मेरी फट गया, मैंने कंबल ओढ़ा है थोड़ी देर में, वो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ बुरी तरह मेरी फटी है, मैं जगा हूँ पूरा, आई एम वाइड अवेक, मैं आंखें खोल के देखती हूँ शिट भैया तो सो रहे, वो भैया भी नहीं थे जो भी गया यहाँ से, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी जो, हाँ और मैं भगवान का नाम बुरी तरह, एंड इट आई थिंक 5 मिनट 5-7 मिनट्स एंड इट वेंट अवे एंड इट हैजंट हैपेंड कभी उसके बाद से, आई डोंट नो कुड बी एनीथिंग कुड बी जस्ट मी, बता छोटी कहानी थी नॉर्मल जल्दी बताता हूँ ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा घर वही टी पॉइंट तुमको पता है, राइट पे स्टेडियम लेफ्ट पे स्कूल राइट पे स्टेडियम, हम गली में कुत्ता पाते थे, गली वाला कुत्ता ठीक है, नॉट घर का कुत्ता बट गली वाला ठीक है, उसके बाद दूध पिलाता हूँ लाइक अपना लड़का ठीक है वो सब ठीक है, मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे मोस्टली ठीक है, मेरे भी सेम एग्जाम, ये तो बकचोदी की बोर्ड के एग्जाम के टाइम भी बकचोदी की होती है समझ नहीं आता, बोर्ड के एग्जाम जब टेंशन आई होती है मेरे बोर्ड मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे ठीक है, रात के 10 बजे में पढ़ रहा हूँ ठीक है, अरे मेरा स्टडिंग मेरे घर के नीचे, हर कोई मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ घर पे, हर कोई नीचे कपिल शर्मा देख रहा है, हर कोई खुश है लेकिन खाना वाना खा रहे हैं बच्चों ठीक है, 10 बजे कुत्ते की रोने की बहुत तेज आवाज आती है, बहुत तेज लाइक समझ रहे लाइक कुत्ता लिटरी तड़प पर ऐसी आवाज आती है, तो लाइक भाई फकी क्या हो रहा है, गली पूरी सुनसान 10 बजे है ठीक है, मैं गया मुझे पता आवाज कहाँ से आ रही है, टी पॉइंट के राइट से नहीं आ रही, लेफ्ट से आ रही है जहाँ पे स्कूल है ठीक है, स्टेडियम से नहीं आ रही जहाँ पे कुछ लाइव लिया बट लेफ्ट से जहाँ पे स्कूल है बरगद का पेड़, तो बहन चोद स्कूल है, मुझे अभी तक समझ नहीं आती, ब्लैक आई डोंट नो भाई स्टिल भाई स्कूल की बोलिए रेलिंग क्या कहते हैं उसे, लेकिन दीवार है, दीवार की वो होती है वायर होती है वायर और वो जो लोहे की जो गैप क्या होते हैं जो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं रेलिंग कहते हैं क्या कहते हैं उसे हां रेलिंग है जो ठीक है लोहे की वो इतना गैप है कितना उंगली कितना गैप है लिटरी बार से इतना गैप है ठीक है, अब इतने गैप में इतना बड़ा कुत्ता एक बड़ा कुत्ता आई वुड से अंदर से उसकी लेज पे वो कुत्ता है उस दीवार की जो मेरी हाइट की है एंड
उस दीवार के बाहर, उसकी गर्दन, उस रेलिंग के बाहर, कैसे? गेट तो बंद है स्कूल का, गेट तो बंद है स्कूल का। फिर एक अंकल आते हैं, मैं देख रहा हूँ ये तो अटका पड़ा, मैं जो चिल्ला रहा है, तो क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं, तो पता नहीं कैसे अंदर जाऊं, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम, मैं बिल्कुल परेशान, क्या करूं। तो एक अंकल आता है अपने कुत्ते को टहलाते हुए कि भाई ये तो कल भी यहाँ पे था, क्योंकि अगेन एट दिस पॉइंट आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग पैरानॉर्मल, मैं इसको बचाऊं कैसे, हाउ डू आई सेव, आई हैव नो आईडिया कि क्या हो रहा है, बुरा अच्छा मुझे पता नहीं, बट मुझे बचाऊं कैसे, कोई आइडिया नहीं, पता नहीं। अच्छा याद है, अच्छा हाँ, हम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, तो जब हमारी बॉल जाती थी स्कूल में इस बर्गर के पेड़ में, कैसे लाते थे, कोने में, स्टेडियम के कोने में एक अटैचमेंट थी विद द स्कूल, क्योंकि किसी ने कोई पत्थर लगा रहे थे तो टाप से थे लौंडे थे, और वहां पे वायरिंग नहीं थी, तो मुझे आता कि हाँ वहां पे जा सकता हूँ मैं, ठीक है ठीक है। अब दिमाग में कुछ था नहीं, और उस टाइम पे आई वुड से, क्योंकि 12वीं में होता तो पता है, द लास्ट टाइम आई रिमेंबर क्रॉसिंग दैट, और आई सॉ समबडी, मेरा फ्रेंड क्रॉसिंग दैट, वाज मेबी थर्ड फोर्थ क्लास, बहुत ही पहले की बात है, तो कि हाँ, मैंने देखते हो, होते हो, देख रहे, भाग के गया स्टेडियम, भाग के कुत्ता भी चिल्ला रहा, भाग के गया बिल्कुल स्टेडियम के कोने में गया, वहां पे पत्थर लगे थे, टापा, जैसे टापा लाल चुन्नी लगी है, जहां से टाप रहा हूं वहां पे लाल चुन्नी गिरी हुई है, कुछ ध्यान में, कुछ दिमाग में नहीं, बस कूद के अंदर, पूरा स्कूल अंधेरा, बिल्कुल लाइट नहीं, ऑब्वियसली रात के 10-11 बज रहे, अंधेरा, कैसे करके अंदर गया, लेफ्ट गया, गेट के अंदर गया, गेट से उसको निकाला, कैसे दिखा भी नहीं कुछ, मैं जो रखा उसको, वो मेरे पीछे भागता भागता गया, मैं गया, मैं उसको उठाया, फेंका स्टेडियम में, मैं खुद गया, और अगेन उस टाइम पे आई डिडंट, अगेन आई फेल्ट बैड एनर्जी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत नर्वस था, मुझे पता नहीं, इट कुड बी दैट, बट आई जस्ट डिडंट फील गुड जब मैं स्कूल के अंदर गया, डिडंट फील गुड समझ रहे, अब तो ठीक है, ऑब्वियसली मैं स्पूकी था, अंधेरा था, तो ऑब्वियसली ठीक है, इट मेक सेंस, मे बी, अगेन, बट द पॉइंट इज की आया, बचाया, सुबह बिल्कुल भैंस, मैंने करा के, मैं आधे घंटे में, मैंने करा के, मैंने क्यों कर दिया, मैंने कैसे कर दिया, कि एक ऐसे स्कूल जहाँ पे तो को हर कोई मना करता जाने से, तो वहां चला गया भैंस, और लेके भी आया कुत्ते को, तो कुत्ता नेक्स्ट डे डाइड, एंड देन आई कैन से कि ओके, क्योंकि वो जो अंकल थे वो भी कहते कि ये कल भी थे यहाँ पे था रेलिंग पे, और मैं दिमाग लगा रहा हूँ, जब वो मर, पता क्या हुआ, ये सब हो गया, मैंने कहा अटक गया होगा, मुझे पता नहीं, ठीक है, जब वो बचा लिया, जब वो मर भी गया, तब मैंने सोचा कि फैन चोट एक बार डीप करेज, जेन्युइनली देखो, बहुत इंटरेस्ट ना घोस्ट बकचोदी में, तो काफी इंटरेस्ट है, वो अंदर कैसे आया, कैसे आया, रीजन बता, कैसे आया रीजन, नोबडी कैन फिजिकली पुट हिम देयर, बाहर से भी यू कांट, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, ऊपर तो तारे हैं इतनी बड़ी बड़ी, बिल्कुल लॉक्ड है, और बार्स में छोटा डिस्टेंस है, डाल सकते नहीं अंदर से, पॉसिबल ही नहीं है, बस पॉसिबल या तो नहीं कर सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बार के पीछे से उसकी बॉडी निकल जाए, गर्दन निकली पड़ी उसकी यार, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, और अगेन भाई वो ये थोड़ी इमोशनल स्टोरी भाई, क्योंकि हम बहुत अटैच था उस कुत्ते से, पर वो ये कि मतलब आई डोंट नो कि वो कुछ अजीब, बट आई थिंक डेफिनेटली वाज समथिंग अजीब, ऑब्वियसली इट वाज अजीब, ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल भाई, लाइक मतलब ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे, आई एम नॉट द गाय जिसको बहुत चीजें ऐसी हुई हैं, लकीली आई वुड से, आई थिंक कुछ कुछ लोग होते हैं इनका, जिनके पास बहुत स्टोरीज होती है फर्स्ट हैंड बताने को, आई एम नॉट वन ऑफ देम, नीदर मेरे कोई, मैं एक एक हमारे फैमिली फ्रेंड तो नहीं, बट लाइक मेरे भैया के फ्रेंड कह ले, तो लाइक जान पहचान है, बातचीत हो जाती है जब कभी आते हैं मिलने वगैरह, कभी त्योहार वगैरह के आसपास मिल गए, जब वो आते होंगे अपने घर तब मिल लिए, भैया वगैरह मिले तो मेरी ही बात हुई, तो वो बताते उनके साथ हुई थी कहानी, वो लाइक वो लिटरली जब भी बात होती है ना, मैं उनसे यही बात करता हमेशा, ठीक है, उस तरीके से, लेकिन मैं हमेशा पूछूंगा भाई एक बार वो दोबारा बता दो, वो जो आपके साथ मेरे को याद है, शायद शिमला गए थे, मनाली गए थे, मेरे को पता नहीं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे वो, और वो रुकते कहीं पे किसी के जान पहचान ने उनको बताया था कि तुम यहाँ रुक जाओ, उनके कोई रिश्तेदार होगा, घर होगा या कुछ होगा, यहाँ रुक जाओ, तो उसके थ्रू वो रुक रहे थे वहां पे, वो आते वहां पे, वो कहते कि हमारी गाड़ी सामने पार्क हुई, हमने सामान वामान निकाला, सब सामान लेके अंदर ही आ रहे थे, तो उस फैमिली में ऐसा था कुछ जिनके घर वो रुके थे, उसकी फैमिली बता रहे कि एक जो मॉम कह ले फैमिली की, और उनके उनका हस्बैंड और उनका बच्चा था, वो शायद पढ़ने वढ़ने कहीं गया हुआ था, तो बेसिकली मॉम और हस्बैंड रह रहे थे, ठीक है, अभी, और एक, तो फिर वो आए, और दादी, जो दादी माँ होगी इनकी बेसिकली, तो क्या होता है वो आते हैं, वो आए अपना लगेज वगैरह लेके, एंट्री करी होगी तो घर पे कुछ लोग मिलने आए होंगे, तो उन्होंने ना जैसे एक दो यहाँ पे वो खड़े थे हस्बैंड वाइफ, और वहां पे वो दादी वगैरह खड़े थे, उन्होंने नमस्ते दादी सा बोला, ऐसे नमस्ते करा होगा झुक के,
और बाकी इनके साथ बात करने लग गए, चलने लगे वो अपना रहे नॉर्मल करने लगे। और फिर एक दिन क्या होता है, फिर वो बैठे होते हैं, वो जो उनकी वाइफ होती है बेसिकली, जो मदर है जो फैमिली की, वो खाना वाना बना रही थी किचन में, फिर रिमेंबर कर रही थी, खाना बना रही होती है और उनको ना साइड में ऐसे वो दिखती है दोबारा से दादी माँ, जाती भी एक तरफ को, तो ठीक है चले। पर उनको थोड़ा लाइक तब थोड़ा उनको शुरू हो गया था लगना, क्योंकि वो दादी उनको ऐसे मिल नहीं रही थी सबके सामने, सामने से आके ऐसे कुछ नहीं, एक दूर से एक बार नमस्ते करती बट ऐसे ठीक है कुछ मिलजुल नहीं रही थी, बाकी उनकी बात हो रही थी अच्छे से कि अच्छा क्या चल रहा है लाइक, क्योंकि जैसे एयरबीएनबी वाली फैमिलीज होती है उस टाइप का, समझ गया मैं समझ गया। तो फिर टर्न्स आउट वो रात को सोते हैं और सो रहे हूँ और वो कहते हैं कि नॉर्मल हम सो रहे, बोले गहरी नींद में थे लाइक काफी स्लीप हुई और एकदम से हमारी जो चादर है वो खिंच जाती है लाइक, वो कहते हैं एक दो बार उन्होंने ऐसे नोटिस नहीं किया, एक बार पूरी लाइक वायलेंटली खिंच दिया घूम और तब उनकी फट जाती है, उनकी जेन्युइनली फट जाती है लाइक बुरे वाली खत्म, उस जगा लेते हैं पूरी घर में जो लोग होते हैं जगा लेते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ये हो रहा है। और वो ऐसे कुछ मुझे याद है उन्होंने मेरे को ऐसे, मैं भूल रहा हूँ थोड़ी स्टोरी की टाइमलाइन गड़बड़ कर रहा हूँ, बट बीच में वो बोलते हैं कि उनकी दादी दिखी थी या उनको कुछ ऐसा हुआ था थोड़े गुस्से में कि तू क्यों आया यहाँ पे, ऐसे बात करते हैं कि ये आ गए फिर से, ऐसे बोलते हैं कि ये किसको बुला लिया घर में, ऐसे करते हुए उनको दादी सुनी थी। और वो ये बात बताते उन्हें कि भाई यार ये आज ये खींच गया और आपकी वो दादी मैं वो कह रही थी हमें कि तुम क्यों आ गए घर में अभी पीछे, अरे कौन दादी, और उन्होंने उनके सारे ओ बहन की चूत, सारे ओ बहन की चूत, उन्होंने उनके सारे बैग पैक करे, बोला कि तुम यहाँ से जाओ, उन्होंने उनको बताया कि क्या हुआ, उन्होंने बताया कि उनकी दादी थी ये और उनकी ना उनकी से अस्थियां खो गई, उनकी डेथ हो गई और अस्थियां खो गई और वो कह रही है अगर भाई उनको पसंद नहीं तुम यहाँ तो तुम मत रहो यहाँ, कि मतलब उनको पसंद नहीं आया कि कोई और इन्होंने घर पे बुला लिया, अब उनके घर में बुला लिया बेसिकली कोई अनजान व्यक्ति आ गए घर में, दादी को पसंद नहीं आया और वो कह रहे भाई हम तो इतनी मेरी वो कह रहे थे इतनी हालत खराब, मैंने तो उसी वक्त वो कह रहे थे पैसे ही नहीं थे हमारे पास, वो कह रहे थे कुछ पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा कुछ बुक करा लूं ऐसे, जैसे तैसे करके किसी से बातचीत करके घटिया सा होटल बुक करा था। और मेरे को याद वो उसमें उनकी या तो फट गई थी इतनी इस टाइम तक, कितनी लाइक पैरानोया हो गया होगा इस बात, रात का समय है रात को सोते हुए जगे उन्हें घर से निकाले बाहर आके, अब तो भाई जाने का कोई ऑप्शन नहीं, वो कहीं उन्होंने इंतजाम करके कहीं और होटल वगैरह में रुके घटिया से, वो कह रहा हूँ उस होटल में वो लाइक उस सुबह रात को रुके सुबह उठे और गए और वो बात कर रहे उससे कि भाई कोई इस रूम में बेकार सा रूम, उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था एग्जैक्टली आदमी जी, वो बोल रहे भाई ये रूम इसमें कहते हैं लेकिन वो जो उनको जो दोबारा रूम मिला उसमें भी कुछ सपोजिटली वहां का जो होटल वाला था वो कह रहा था कि ये इधर कहते हैं लोग कि यहाँ पे हर बार कुछ होता है गड़बड़ जो नया होटल में, वो भाई ये स्टोरी मेरे को इतना वो जब आइडिया कि वो दादी वहां खड़ी तुम घर में, ब्रो दैट्स क्रेजी, दैट मेरे को चिल्स आ गया, चिल्स आ गया, चिल्स आ गया, दिस वाज चिलिंग, दिस वाज चिलिंग, ना ना भाई पता है एक अब डरा ही रहे हैं अब 1 घंटे 13 मिनट से, आई थिंक वी लैंडेड एंड दिस, अब एक लास्ट चीज मैं बताऊंगा तुझे बिफोर आई एंड दिस, लाइक दिस शुड बी द क्लाइमैक्स बाय द वे बिफोर वी एंड इट ऑल, क्योंकि आई डोंट नो कैसे एंड होएगा, मेरे को आसपास आवाजें आ रही हैं, आई एम गेटिंग एंग्शियस, ठीक है चुप हो जा मुसली, दिस इज लंगूर्स एपिसोड 3 आई थिंक, थर्ड है ना, थर्ड एपिसोड, हां थर्ड, ये हम अल्टरनेट कर रहे हैं चैनल पे, तो दिस विल बी ऑन यशस और अगला होगा एपिसोड चौंकी पे, तो डोंट फॉरगेट अगर तुम्हें अच्छा लगा, अगर तुमने यहां तक देख लिया राइट इन द कमेंट्स आई सर्वाइव्ड एंड दिस इज द थीम, व्हाट वाज योर फेवरेट थॉट, अब पता है लोंडे बोलेंगे भाई ये क्रिंज है आई नो बट कम ऑन राइट इट कि यू सर्वाइव बिकॉज़ वी वांट टू नो कि कौन एंड तक सर्वाइव कर पाए, सो लाइक जेन्युइन एंड लेट अस नो कौन सी स्टोरी तुम्हारी सबसे ज्यादा फटी, हां मैं बताता हूं या फिर अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी वैसे पर इनकी स्टोरी हम क्या करेंगे जान के लंबा स्टोरी बहुत कमेंट के लंबे कौन लिखा, आई वुड से अगर तुम्हारे पास जो भी देख रहा है अगर तुम्हारे पास या फिर
ठीक है, नहीं लेट अस नो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में विच टॉपिक यू वांट टू टॉक अबाउट, ठीक है, क्योंकि आज हम ट्यूसडे को ये ट्यूसडे को ड्रॉप हो रहा है, ऑब्वियसली ट्यूसडे को, नेक्स्ट वन मंडे को ही होगा, तो वो तो नॉर्मल फॉल होगा, देयर विल बी नो नंबर प्रॉब्लम्स, नो गांधी जयंती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आते, ठीक है, तो हम वो कर लेंगे, बट हाँ, क्योंकि यू नो व्हाट, एक एक बिकॉज समथिंग, दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल, आई लाइक, क्योंकि दिस इज अ कहानी व्हिच आई वांट टू टेल, ये बहुत ही, आई वांटेड टू टेल, ठीक है, बहुत ही छोटी है, बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आई एंड दिस इज, दो आई थिंक कि चौंकी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई टू एंड इट, you know what chunky, I don't want to tell, you know what, we won't tell, abhi jo mere paas story, I won't tell it, we'll you save it for next time, I want to tell, exactly. Ek mere person, and we'll end this exactly. Shit, theek hai, we'll end this, yahan pe, we have multiple, obviously, well, yeah, we'll multiple, we'll bring this back again, to another ghost podcast, kabhi, mujhe pata nahi, hab mahine mein ek to kar lenge, at least, theek hai, mahine mein ek to pakka kar lenge, mahine mein ek ghost podcast, I would say, kar lenge, kyunki enter, there is some mysterious shit, bhai pata nahi, bhai, wo maza aata, I don't know, bhai, bakchodi, but I don't know, exactly. Bhai, I have ultimately, but I want to end this podcast ki again. I believe ki good spirits are there to help us. They are here to protect us. They are stronger. They are supreme. They are above everything. This world is a good place to be in. Hum sab blessed hai to be in this world. Somewhere. And yes, there are negative things. Just like har cheez ke do pehlu type hote hai, mujhe pata nahi. But ultimately, the truth and the good always shines. It's always. It always is supreme. It's the king. So this note pe, I don't want it. तुम इस podcast पर तुम्हारी फटक वो पता नहीं, but I want कि तुम ये लोग कि हाँ ठीक है, ये एक पहलू है life का जो हमने discuss करा आज, ठीक है, कि एक एक dark पहलू of life है, समझ रहे? Like we talk about positivity, we can talk about good things which we see in my life, but which I believe in. Obviously, I don't believe in this shit. I don't believe in it. So I don't want to believe in it. But this is the reality, boys. ठीक है? चलते हैं इसी के साथ. क्योंकि लंगूर का थीम है ना, और आई वॉन्ट टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट. एक जैसे तू बताता है ना स्टोरी, वो स्कूल तेरे मेरे घर के पास, हम जिस पार्क में खेलते हैं ना फुटबॉल, वहां पे भी अटैच्ड है एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है. ओके. और वो आई थिंक तब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस स्कूल की. नॉर्मल वर्किंग स्कूल था, एकदम एक्टिव स्कूल है, बट तब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, स्टार्ट हुई थी कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ा उधर का ग्राउंड वगैरह खुदा था, थोड़ा ये सब था. अब डोंट कम एट मी बट आफ्टर दिस स्टोरी, लिकिंग लिप्स, लिकिंग लिप्स. क्या होता है, बॉल चली गई, मैं और मेरा दोस्त, दो बंदे गए अंदर बॉल लाने के लिए, तो एक को मैंने बोला भाई तू यहाँ से चले जा, मैं यहाँ से, दोनों जिसको जल्दी मिल जाएगी वो, ठीक है, बढ़िया, फेयर इनफ. तो वो अपने रास्ते गया, मैं अपने रास्ते गया, मैं चल रहा हूँ. लक मेरा अच्छा था भाई, मेरे को बॉल दिख गई. ओके. आई वेंट देयर, मैं वॉक कर रहा हूँ, और तब शायद संडे है, तो कोई है नहीं स्कूल में, बस एक गार्ड था स्टार्ट में जिसने एंट्री दे दी थी हमें, कोई है नहीं स्कूल में. मैं गया, मैं भी नोटिस नहीं कर रहा कि खेलने के मूड में, मैं तो ये सोच रहा हूँ बॉल मिले जल्दी दोबारा जाके खेलें. बॉल उठाई, आई लुक्ड अप, दिस इज डेलाइट, सो तो फिर आई हैव नो रीजन टू बी स्केर्ड, एकदम डेलाइट, कुछ भी ऐसा स्पूकी नथिंग, बस थोड़ा रबल है, थोड़ा गंदगी है कि वो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है स्कूल में, बट नथिंग अनयूजुअल, कुछ क्रेजी. आई पिक अप द बॉल, अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया था. आई पिक अप माय हेड, मैं जो वॉल है स्कूल, ठीक है. आई सी देयर सिटिंग ऑन इट क्राउच्ड, कुबड़ निकला हुआ, अ बिग फैट मंकी, रीसेस मैकाक, नॉट वन, थ्री सिटिंग देयर. एक मेरे ऊपर बिल्कुल साइड में था, विच आई डिडंट नोटिस अंटिल देन. मैं चलते जा रहा हूं, एक लिटरल पैक ऑफ मैकाक्स, फैट, फैटेस्ट ऑफ द मॉन, ठीक है, एकदम रेड पिंची. मेरी जो फटी भाई साहब, जो मेरी हालत खराब. आई डिड नॉट हैव द लाइफ ऑफ पोंकी, अ डे इन द लाइफ ऑफ पोंकी, यू नो व्हाट चोंकी, ऐसे मैं जो, क्योंकि तूने बताई दी स्टोरी, व्हिच वाज नॉट इवन अ हॉरर स्टोरी, इट वाज नॉट इवन अ हॉरर स्टोरी, इट वाज जस्ट अ डे इन द लाइफ ऑफ पोंकी, क्योंकि तूने टाइम वेस्ट, क्योंकि तूने इतने, तूने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुना के वीडियो, लाइक पॉडकास्ट एंड करके फिर से गन मार ली अपने मखाक्स की स्टोरी बता के, बिग फैट. आई विल शेयर द स्टोरी, ये स्टोरी बहुत बहुत कॉमन है, लाइक बहुत छोटी है, बहुत कॉमन है. अब ये दिस इज ऑब्वियसली रियल, ऑब्वियसली वो भाई अबे लड़ बंद पागल है.
चौकी की गांठ उठ चौकी गायब हो गया। मेरे को प्रेशर बन रहा है तुझे, पता नहीं ब्लैडर इज फुल भाई, लाइट जा रही गिव अप। ऐसे सुनूंगा ठीक है भाई, आप बिना लाइट के जो भाई ये नहीं कर सकता भाई मैं, आई गिव अप भाई आई गिव अप ठीक है। तूने बहन के लिए मकाक लिया बट क्या ठीक है। तो अब अगेन आई थिंक एक बहुत कॉमन स्टोरी, बहुत पॉपुलर, तेरे को पता भी होगा, आई डोंट नो मैं, ये बहुत पॉपुलर है बेसिकली। हैदराबाद में एक हुआ जगह कुंदन हाउस, हैव यू हर्ड अबाउट द कुंदन हाउस? मतलब अगर लाइक इफ यू गूगल ना, तू गूगल करेगा कि लाइक पैरानॉर्मल जगह है वो सब बक्स होती है, तो बहुत चीज आएंगी दिल्ली में, बहुत आएंगी। तो एक तो मतलब भांगड़ वांगड़ तेको पता है बहुत कॉमन, बट वहां पे लोग करते हैं कि कुछ होता नहीं है, पर जो भी ठीक है। तो एक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कुंदन हाउस, इट्स इन हैदराबाद ठीक है। एंड वो काफी लोग बोलते हैं कि अभी तक वो इन्वेस्टिगेट अच्छी तरह है नहीं, इट्स नॉट सॉल्वड, देयर इज लाइक यू कुड नॉट, अभी किसी को सॉल्व नहीं हो कुछ पता नहीं कुछ। तो वहां पे आ गई एक फैमिली थी, अ फैमिली यूज्ड टू लिव इन हैदराबाद। वो फैमिली बहुत ही कटी हुई थी हर किसी से, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लाइक बहुत ही मतलब देर वॉज नो, दे वॉन्ट कोई सोशल एक्टिविटी नहीं, कोई सोशल किसी इंटरेक्शन नहीं। रात को अगर उनके लिटरी बच्चे अलग बिहेव करते हैं, किससे बात नहीं करते, वो बिल्कुल कटी हुई फैमिली ठीक है, कुंदन हाउस में रह रही ठीक है। तो उनके घर के 20 कदम कूड़ेदान है दूर, गाड़ी में बैठे कूड़े देने जाते हैं ऐसी ठीक है, ऐसी ही बच्चों ठीक है, 20 कदम दूर कूड़ेदान है, पर गाड़ी में बैठे कूड़े देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी फैमिली, बिल्कुल कटी फैमिली ठीक है। तो वहां पे पता नहीं क्या हुआ कि कुछ उनका जो पति होगा उस फैमिली का, उसने कुछ कुछ लड़ाई बड़ी होगी, तो थोड़ी फैमिली कट गई थी, बट गई थी बेसिकली, ऐसा कुछ हुआ था ठीक है। तो एक ना चोर, एक चोर वहां उस घर में चोरी करने गया, रात को गया रात को, ऑब्वियसली जब वो चोरी करने गया ना, चढ़ा बैल्कनी के थ्रू, टापा गेट खोला, खिड़की थी खोल दी उसने, खुला हुआ था कुछ था नहीं ऐसा, गया अंदर, सब कुछ चोरी करने रेडी, लाइट जलाई, तो लाइट जलाई ना उसने, तो वहां पर 3 बच्चियों की लाश पड़ी थी। दिस ट्रू स्टोरी ठीक है, ट्रू स्टोरी ठीक है, 3 बच्चियों की लाश पड़ी ठीक है। तो चोर की तो वहीं पर गांठ पड़ गई, तो चोर ने खुद पुलिस को बुलाया ठीक है, पुलिस को बुलाया कि ये बकचोदी है, मैं चोरी करने गया था जेन्युइनली, कि मैं चोरी करने गया था, मेरी माँ के चूत ठीक है, मैं चोरी करने गया था, ये बकचोदी वो दिख गया ठीक है। तो वहां पे फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते है कि है क्या, क्योंकि वो 3 लाख लाश लेजिट ठीक है, दिस इज नॉट सम भ्रम जो उसने देखा, इट्स अ लेजिट। तो वो पूछते हैं आस पास पड़ोसियों से कि भाई क्या सीन है क्या सुन, कह रहे हैं यहाँ पे तो सब कुछ सही है, तो घर पर कुछ सही है, पड़ोसी कहते हैं यहाँ तो सही, मेरे को तो ये जो बेटी आप कह रहे हो मुझे तो ये दिखी थी परसों, बोतल लेके ऊपर बैठी हुई थी पड़ोसी, कोई पड़ोसी कह रहा होगा। पुलिस फोरेंसिक स्टडी करती है उन डेड बॉडीज की, या फिर जो भी, वो जो डेड बॉडी थी ना जो लड़कियों की, इट वॉज 6 months old, इट वॉज नॉट रिसेंट, वो 6 महीने से वहीं पड़ी हुई थी ठीक है, 6 months old। पड़ोसी कह रही है मुझे परसों दिखी लड़की, कह रहा क्या क्या कर दी, कह रहा पता नहीं कोई बोतल थी, बोतल से कुछ पी रही थी एक दो लड़कियां ऊपर थी, फिर एक और कहते हाँ कोई बोतल थी पता नहीं, फिर एक ने बोला कि हाँ एक बारी दिखी खून कुछ रेड रेड था वो पी रही थी, बोतल थी कुछ बोतल थी ना क्या। तो फिर वो कहते हैं कि अल्टीमेटली स्टोरी ये कि वो जो पति था जो चला गया था, उन्होंने 3 बेटियों को मार दिया था, और उन 3 बेटियों का खून बॉटल में जमा कर दिया था, ऐसा कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ अजीब सा। अच्छा, तो रात को अपना खून पीती, पता नहीं भाई मुझे, मतलब ऐसी कोई स्टोरी है, आई डोंट नो इफ, अब प्रॉब्लम क्या कि जो भी बोलते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, देखिए भांगड़ में तो अलाउड है, यू कैन गो, वहां पे अलाउड नहीं है वो, दे कांट एंटर, वहां पे अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है, लाइक वो दे कांट इवन इन्वेस्टिगेट क्या हो रहा है, जितना मैंने अभी तक सुना, आई डोंट नो, कुंदन हाउस की स्टोरी थी लाइक हैदराबाद में, दिस इज अ रियल स्टोरी, आई डोंट नो कितना ट्रू है कितना नहीं है, बट आई थिंक हां भाई, चौंकी क्योंकि तूने मकाक्स, यू ब्रॉट मकाक्स, वी हैड टू एंड दिस ऑन द डोरेमोन शिट, वी हैड टू एंड दिस, नॉट टू, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में ठीक है, लंगूर्स, चेक इट आउट, बंद कर दे।